लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, या तो फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या है ये चैप्टर, चलो देखते हैं। अब देखा जाए तो लॉज जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड है, ठीक है। लॉज आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, एक पोर्शन है जिसको बोला जाता है सब्सटैंटिव लॉज, और एक दूसरी साइड जो पोर्शन है उसे बोला जाता है प्रोसीजरल लॉज, ठीक है। तो सब्सटैंटिव लॉज की एग्जांपल देखो, आपके सामने सामने दिए हुए हैं, सामने आपके एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन में आप देखो। तो सब्सटैंटिव लॉ में अगर देखा जाए तो क्या है, देखो पहला आपके यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये भी सब्सटैंटिव लॉज है। नेगोशिएबल है, सेल्स ऑफ गुड है, कंपनीज है, इनकम टैक्स और एक्सेट्रा, ठीक है। अब सब्सटैंटिव लॉज कौन से लॉज है, सब्सटैंटिव लॉज कौन से लॉज है, ये क्या है सब्सटैंटिव लॉज। सब्सटैंटिव लॉज ऐसे लॉज हैं, सब्सटैंटिव लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो कि दैट क्रिएट्स जो क्रिएट क्या करते हैं आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज जो क्रिएट क्या करते हैं आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज। सब्सटैंटिव लॉज कौन से लॉज होते हैं, सब्सटैंटिव लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो क्रिएट करते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट करने का क्या मतलब, क्या मतलब हो रहा है कि भाई राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे अगर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर आप परचेजर हो, ठीक है, अगर आप परचेजर ऑफ गुड्स हो, ठीक है, और एक सप्लायर ऑफ गुड्स है मिस्टर एक्स, आपने कोई गुड्स परचेज किया, ठीक है, तो आपने क्या करा है, आपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट दे दी। अब क्या होगा भाई, अब क्या होना चाहिए, अब ये होना चाहिए कि आपके पास राइट है टू रिसीव द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। आपने पेमेंट तो एडवांस में दे दी, आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज आपने करा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा कि भैया मुझे सामान खरीदना है आपसे, कोई भी गुड्स, रॉ मटेरियल ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, तो आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। तो आपके पास अभी गुड्स नहीं आए, बट आपने पेमेंट कर दी है, आपने पेमेंट कर दी है। जब आपने पेमेंट कर दी है तो लॉ आपके ऊपर एक राइट क्रिएट कर रहा है, आपको एक हक दे रहा है कि नाउ यू हैव द राइट टू रिकवर द गुड्स, टू रिसीव द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। तो आपके पास क्या आ रहा है, एक हक आ रहा है। यह हक कहां से आ रहा है, यह हक कहां से आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हक आ रहा है आपके पास। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को, आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस की बातें मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। अरे भाई आपने पेमेंट दे दी है तो अब आप गुड्स भी तो लोगे, तो गुड्स रिसीव करने का राइट है आपके पास। ये राइट कहां से आया, ये राइट आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, एक सब्सटैंटिव लॉ है, और सब्सटैंटिव लॉ क्या करता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज मेरी क्रिएट करता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज। इसी को अगर अपोजिट कर दे, अपोजिट एग्जांपल को अपोजिट कर दे, लायबिलिटी अलग कर देख ले भाई क्या है, कि लायबिलिटी में ऐसा है कि भाई आप जो सप्लायर था ना वो आपका दोस्त था, वो सप्लायर आपका दोस्त है, उसने बोला एक काम कर भाई, पेमेंट मुझे पहले गुड्स ले ले उसके बाद पेमेंट दे देना। आप बोलते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो उसने क्या करा, आपके घर पे या आपके वेयर हाउस में अपना जो आपका स्टॉक था, पूरा सामान था, वो पहुंचा दिया, ठीक है, गुड्स सप्लाई कर दी आपके वेयर हाउस में। अब आपके ऊपर क्या हो रहा है, आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, आपके ऊपर क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी। नाउ यू आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड इन द वेयर हाउस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप पेमेंट करोगे उसको, कितनी पेमेंट करोगे, जो गुड्स की पेमेंट होगी, ठीक है, एज्यूम द 1 लाख इज द पेमेंट। तो आप 1 लाख रुपए पे करने के लिए क्या हो रहे हो, आप क्या हो रहे हो, लाइबल हो रहे हो, लाइबल आपकी क्या बढ़ गई भाई, लायबिलिटी बन गई। कहां से आई लायबिलिटी, ये एक्ट में लिखी हुई है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोल रहा है कि अब आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो क्या करता है सब्सटैंटिव लॉ, सब्सटैंटिव लॉज क्रिएट्स दी राइट्स एंड लायबिलिटीज। सब्सटैंटिव लॉज क्या करते हैं, क्रिएट्स दी राइट्स एंड लायबिलिटीज,
ठीक है, अभी हम लोग सब्सटेंटिव लॉ का डील कर रहे हैं, ठीक है। आगे अब क्या होगा, अब क्या हुआ, अब आपके पास राइट है, लाइबिलिटी है, ठीक है, बट हुआ क्या, होता क्या है, होता क्या है, अब आपके पास भाई राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ हाँ जी भाई, राइट्स एंड लाइबिलिटीज मेरी एक्ट से क्रिएट हो गई, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, लो राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या हुई हैं, क्रिएट हुई हैं। कहां से क्रिएट हुई हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट हुई मेरी सब्सटैंटिव लॉ से, मुझे राइट्स एंड लाइबिलिटीज मेरी क्रिएट हो जाती है। चलो ठीक है, हुआ क्या, जो आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो थी ना, इसका हो गया भाई इंफ्रिंजमेंट, इसका क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट हो गया, ठीक है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या हो गया, इन्फ्रिंजमेंट हुआ। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या हुआ, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने एडवांस पेमेंट तो दे दी थी, वही सेम एग्जांपल उठा रहा, आपने एडवांस पेमेंट तो दे दी, बट जो सप्लायर है वो बोलता है कि भाई जा, मैं आप तुझे गुड सप्लाई नहीं करता, ठीक है। आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट उसको दे दी एडवांस में, और आप बोल रहे हो भाई मुझे प्रोडक्शन करनी है, मुझे आप सामान दो, क्योंकि उसके बिना मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा कोई चीज, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, मगर वो बंदा जो सप्लायर है वो आपको गुड सप्लाई नहीं करता, बोलता है कि मैं करूंगा भी नहीं। तो आपका एक राइट था गुड्स को रिसीव करने का, क्योंकि आपने पेमेंट करी है, वो राइट्स का क्या हुआ है, वो राइट्स का हुआ है इंफ्रिंजमेंट। तो ये राइट जो थी आपकी, ये जो राइट थी आपकी, ये क्या हो गई भाई, ये इंफ्रिंजमेंट हो गया इस राइट का, ये राइट का क्या हो गया, इंफ्रिंजमेंट। अब राइट का जब इंफ्रिंजमेंट हुआ तो आप क्या करोगे, राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ तो आप क्या करोगे, आप बताओ, आप बोलोगे सर आपने बताया था मुझे लास्ट क्लास में, आपने बताया था मुझे लास्ट क्लास में कि कोर्ट नाम की चीजें भी होती हैं, कुछ कोर्ट में हम जा सकते हैं, और बोला था एक लाइन की आई विल सी यू इन द कोर्ट, एक लाइन यूज करते हैं हम लोग, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो क्या बोलेगा जो आपका परचेजर है, जो परचेजर, वो क्या बोलेगा सप्लायर को कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो क्या होगा, राइट्स आपकी क्या हुई, इंफ्रिंज हुई, तो आप कहां जाओगे, सिविल कोर्ट जाओगे भाई, सिविल केस है आपका, तो आप कहां जाओगे, सिविल कोर्ट के अंदर। सिविल कोर्ट के अंदर किस लिए जाओगे आप, किस लिए जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो भाई, सिविल कोर्ट के अंदर क्या काम है आपका, सिविल कोर्ट में क्यों जा रहे हो, सर मैं सिविल कोर्ट में जा रहा हूं टू एनफोर्स, किस लिए जा रहे हो, टू एनफोर्स, क्या एनफोर्स करने जा रहे हो, टू एनफोर्स माय राइट्स, टू एनफोर्स, मैं आपको बोल देता हूँ योर, टू एनफोर्स योर राइट्स, वेयर यू विल गो, टू एनफोर्स योर राइट्स, कहां जाएंगे आप जाओगे कहां पे, आप बोलो सर मैं जाऊंगा सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब सिविल कोर्ट के अंदर आप गए, अब कोर्ट क्या करेगा, आप तो कोर्ट के अंदर गए, आप कोर्ट के पास जा रहे हो, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शेल फॉलो अ प्रोसीजर, कोर्ट एक फॉलो करता है प्रोसीजर को, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शेल फॉलो अ प्रोसीजर, कोर्ट एक प्रोसीजर फॉलो करता है भाई, कोर्ट में आप चले गए तो कोर्ट को कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्यों क्यों प्रोसीजर फॉलो करता है, कोर्ट फॉलो करता है प्रोसीजर किस लिए, टू अराइव, टू अराइव कहां पे आने के लिए, एट अ डिसीजन, टू अराइव एट अ डिसीजन, टू अराइव एट अ डिसीजन। तो क्या हो रहा है भाई, राइट आपके इंफ्रिंज हुए, ठीक है, आपके राइट इंफ्रिंज हुए, आप क्या बोले, आप जैसे राइट्स आपके इंफ्रिंज हुए, आप क्या हो गए भाई, आप हो गए एक तरह से इंजर्ड पार्टी हो गए, आप इंजर, आपको इंजरी हुई एक तरह से भाई, आपको नुकसान हुआ है, आपको नुकसान हुआ, आप क्या बोलोगे, सर मैं तो कोर्ट जाऊंगा, वही लिखा है टू एनफोर्स योर राइट, अब अपने राइट को एनफोर्स करने के लिए आप कहां जाते हो, आप जाते हो कोर्ट में, आप कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट के पास आप गए तो कोर्ट क्या, आप जैसे जाओगे हाँ बोलेगा कोर्ट की हाँ चलो ठीक है भाई आपको गुड्स मिलने चाहिए, पूरा प्रोसीजर है उसका एक, ठीक है। कोर्ट दोनों पार्टी को बुलाएगा, दोनों पार्टी की सुनवाई होती है, दोनों पार्टी को सुनेगा, आपकी खाली नहीं सुनेगा, पूरा प्रोसीजर एक होगा, ठीक है, वो वही प्रोसीजर हम लोग को पढ़ना है अभी, ठीक है। तो सिविल कोर्ट के पास गए, कोर्ट क्या करेगा, फॉलो प्रोसीजर, किस लिए प्रोसीजर फॉलो करता है, वो प्रोसीजर फॉलो करता है टू अराइव एट अ डिसीजन, ठीक है, एक पार्टी के फेवर में जाएगा, एक पार्टी के अगेंस्ट में जाएगा। अब ये जो बात हुई है, जो अराइव एट अ डिसीजन, और ऊपर उसके लिखा है कि शेल फॉलो अ प्रोसीजर, शेल फॉलो अ प्रोसीजर, शेल फॉलो अ प्रोसीजर, तो इसका मतलब क्या है, कोर्ट फॉलो करेगा क्या, कोर्ट फॉलो करता है क्या,
प्रोसीजर, कोड फॉलो करता है क्या? प्रोसीजर फॉलो करता है सर, प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर कहाँ है आपका? ये है प्रोसीजर, लिखा है प्रोसीजर लॉ, लिखा है प्रोसीजर लॉज लिखा हुआ है। तो मैंने बोला था लॉज डिवाइड है दो ग्रुप के अंदर, एक है सब्सटेंटिव, दूसरा है प्रोसीजर। तो जब कोर्ट को प्रोसीजर फॉलो करना है, वो प्रोसीजर कौन सा, कहां लिखा है प्रोसीजर, कहां पे लिखा है भाई प्रोसीजर? वो प्रोसीजर लिखा है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर। कहां लिखा है? 1908 के। ये है प्रोसीजर आपका, ये इसके अंदर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर। आप सिविल प्रोसीजर कोड है आपका बना हुआ है, उसके अंदर पूरे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, उस प्रोसीजर्स को कोर्ट कंप्लाई करेगा। आप किस लिए कंप्लाई करेगा? टू अराइव एट अ डिसीजन, ठीक है। अब ये जो सीपीसी आपका है 1908, ये क्या है, ये क्या है? अब ये जो आपका प्रोसीजर लॉ है ना, इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट, नॉट अ टेक अवे एनी राइट। ये प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं, ये राइट्स क्रिएट नहीं करते यार, राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट करते भी नहीं है, ना राइट्स एंड लाइबिलिटीज किसी से छीनते हैं, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉज क्रिएट्स द राइट एंड लाइबिलिटी, बट द प्रोसीजर लॉज डू नॉट, ठीक है। प्रोसीजर लॉज कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करते, ना आपसे राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपकी लेते हैं, नॉट टेक अवे द राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो सीपीसी 1908, सीपीसी 1908 डिवाइड है दो पार्ट्स में, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। पार्ट क्या है भाई? डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। एक पार्ट है जिसमें है 158 सेक्शंस, ठीक है। तो 158 सेक्शंस हैं सीपीसी के अंदर, प्लस इसमें एक दिया हुआ है स्केड्यूल वन, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो ये आपका पार्ट वन है, ठीक है, और ये आपका पार्ट टू है, दिस इज पार्ट टू, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड है आपका सीपीसी, पार्ट वन 158 सेक्शंस एंड पार्ट टू, एंड पार्ट टू जिसमें है स्केड्यूल वन, वो कंटेन क्या करता है? 51 ऑर्डर्स, और हर ऑर्डर डिवाइड है रूल्स के अंदर, रूल्स में, ठीक है। 51 ऑर्डर्स और हर ऑर्डर में रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। या इसको मैं रूल्स भी बोल सकता हूँ, स्केड्यूल वन में 51 ऑर्डर्स हैं और हर ऑर्डर्स में रूल्स दिए हुए हैं अलग अलग। ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अभी जो 158 सेक्शन है, ये क्या है? जो 158 सेक्शन है, वॉट इज दीज 158 sections, या ये किसके बारे में बातें करते हैं? These 158 sections की क्या है? ये क्रिएट करते हैं jurisdiction, ठीक है। जो sections हैं आपके 158 sections जो आपके हैं, ठीक है, ये क्या क्रिएट करते हैं आपका? jurisdiction। अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि सर, ये जो 158 sections है ना सर, ये बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की, ये क्रिएट करते हैं एक ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हो गया भाई? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हो गया? हाँ, या इसको इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, मैं सिंपल टर्म्स में बोल सकता हूं कि सर, ये जो 158 सेक्शंस है ना, सेक्शंस पार्ट वन, जो पार्ट वन की बात कर रहे हैं, जो पार्ट वन की बात कर रहे हैं, जो 158 सेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये क्या है? व्हाट आर दीज सर? ये क्रिएट करते हैं ज्यूरिसडिक्शन, ये क्रिएट करते हैं ज्यूरिसडिक्शन, क्रिएट करते हैं ज्यूरिसडिक्शन, ये क्रिएट करते हैं क्या? ज्यूरिसडिक्शन, क्रिएट्स ज्यूरिसडिक्शन। या इसको मैं बोल सकता हूं, एक सिंपल टर्म्स में बोल सकता हूं कि इट लेज डाउन जनरल प्रिंसिपल, इट लेज डाउन जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू पावर ऑफ द कोर्ट, पावर ऑफ द कोर्ट। ये बताता है कि कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, ये बताता है कोर्ट के पास पावर क्या है। देखा, ये क्रिएट्स ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ, ज्यूरिसडिक्शन पावर बताता है कि आप कोर्ट के पास एक्चुअल में पावर क्या है, कोर्ट के पास पावर क्या है। तो इट लेज डाउन जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू, किससे रिलेटिंग टू, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पावर ऑफ द कोर्ट, पावर ऑफ द कोर्ट के पास पावर क्या क्या है, कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, कोर्ट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो आपका है, सेकेंड पार्ट आपका जो है, सेकेंड पार्ट क्या है आपका भाई?
जो पार्ट टू है, पार्ट टू क्या है वो? पार्ट टू आपका वो बोलते हैं सर, इट कंटेन्स 51 ऑर्डर्स, इट कंटेन 51 ऑर्डर्स। अब ये क्या है, ये क्या है? ये 51 ऑर्डर्स बताते हैं हाउ टू एनफोर्स, क्या एनफोर्स करना है, जो ज्यूरिसडिक्शन दी गई है, हाउ टू एनफोर्स दैट ज्यूरिसडिक्शन। कौन सी ज्यूरिसडिक्शन? जो हम लोगों को 158 सेक्शंस में मिल रही है। हाउ टू एनफोर्स दैट ज्यूरिसडिक्शन, जो हमारे पावर्स क्रिएट करी गई है कोर्ट के ऊपर, उसको एनफोर्स कैसे करना है? बस पावर दे दी, उससे तो कुछ होगा नहीं। जब पावर खाली दे दिया आपको, उससे तो कुछ होगा नहीं ना, उसको एनफोर्स भी तो करना पड़ेगा। तो उसको एनफोर्स कैसे किया जाए, वो पूरा लिखा है वो 51 ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, 51 ऑर्डर्स में अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं, अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आपको कि पार्ट वन और पार्ट टू ये दोनों क्या है। पार्ट वन और पार्ट टू, पार्ट वन है भाई 158 सेक्शंस कंटेन करता है, पार्ट वन क्रिएट्स दी ज्यूरिसडिक्शन, ये क्रिएट करता है ज्यूरिस, ये पावर बताता है कोर्ट की, ये कोर्ट की पावर होता है कोर्ट क्या क्या कर सकता है, बट करेगा कैसे, करेगा कैसे, टू एनफोर्स, एनफोर्स दैट ज्यूरिसडिक्शन, उस ज्यूरिसडिक्शन को करेगा कैसे, वो लिखा है किसके अंदर, वो जो आपके 51 ऑर्डर्स दिए हुए हैं वो उसके अंदर लिखा हुआ। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। एक और पॉइंट इसमें है, एक और पॉइंट है। अब यहां पे है सेक्शंस और यहां पे है ऑर्डर्स, दो पार्ट है, देख लो भाई, एक सेक्शंस है और एक है ऑर्डर्स, दिख रहा है? अब इन दोनों में अगर होता है वही कॉन्ट्राडिक्शन, इन दोनों में अगर हुआ भाई कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया दोनों में, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन किसके बीच में? सेक्शंस एंड रूल्स या सेक्शंस एंड ऑर्डर्स में हुआ क्या कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट विल प्रिवेल, व्हाट विल प्रिवेल इन दिस केस, द सेक्शंस विल prevail whenever there will be the contradiction between the sections and the orders, तो उस केस में कौन prevail करेगा? अगर दोनों में contradiction हो रहा है तो क्या prevail करेंगे? ये sections में जो लिखा हुआ है that will prevail। Clear है? I hope clear है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, अगर एक तरह से देखा जाए तो law जो आपके है दो portion में divide है। Law क्या है आपके? दो portion में divide है, एक होते हैं substantive, एक होते हैं आपके procedural। सब्सटेंटिव लॉज क्या करता है? क्रिएट्स दी राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पे, क्रिएट्स दी राइट्स एंड लाइबिलिटीज। बट अगर यही आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती है इनफ्रिंज, राइट्स एंड लाइबिलिटी होती है आपकी इनफ्रिंज, तो इनको आप क्या कराओगे? तो इनको एनफोर्स कराना है, टू एनफोर्स क्या, टू एनफोर्स दी राइट्स, टू एनफोर्स दी राइट्स। ये राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए क्या जाओ करोगे आप? आप जाओगे, बोलोगे सर मैं जाऊंगा कोर्ट, आप बोलोगे मैं जाऊंगा कोर्ट। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट करेगा प्रोसीजर को फॉलो, कोर्ट करेगा प्रोसीजर को फॉलो। वो प्रोसीजर आपका कहां दिया है? वो प्रोसीजर सर दिया है मेरा इधर, मैं आ जाऊंगा प्रोसीजरल लॉज के अंदर। वो कोर्ट दिया, प्रोसीजर दिया सर सीपीसी 1908 में, सीपीसी 1908। अब कोर्ट फॉलो करता है प्रोसीजर, अब कोर्ट जब प्रोसीजर फॉलो करेगा तो उसमें है 158 सेक्शंस और है 51 ऑर्डर्स। तो जब कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करता है तो 158 सेक्शंस जो है वो कोर्ट को, वो कोर्ट को क्या करते हैं, वो कोर्ट को पावर देते हैं। ठीक है, तो 158 सेक्शंस क्या करते हैं? दे क्रिएट्स दी ज्यूरिसडिक्शंस, दे क्रिएट्स दी ज्यूरिसडिक्शंस। ठीक है, तो वो बताते हैं कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो कोर्ट की बताते हैं कोर्ट के पास पावर क्या है। ठीक है, बट उस पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए, पावर्स को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट को रेफर क्या करना पड़ता है? ये 51 ऑर्डर्स हैं इधर नीचे, इनको ऑर्डर्स रेफर करना पड़ता है। सब देखो स्टेप है, पूरा स्टेप वाइज चल रहा है। ठीक है, पहले आपको राइट्स मिलती हैं, ठीक है, राइट्स का इन्फ्रिंज हो जाता है, इन्फ्रिंज हो जाता है, आप बोलते हो सर मुझे एनफोर्स करनी है अपनी राइट्स, मुझे मेरा चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ठीक है भाई, आपको हक अपना चाहिए, आप क्या करोगे? आप बोलते हो कि सर मैं तो जाऊंगा कोर्ट। ठीक है, आप कोर्ट गए, अब कोर्ट बोलता है ठीक है हम लोग का पूरा एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को हम लोग को कंप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट अपना प्रोसीजर पूरा फॉलो करता है, कोर्ट देखता है कि भाई मेरे पास पावर है या नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। तो कोर्ट बोलता है कि भाई मेरा 158 सेक्शंस दिए हुए हैं, उसके अंदर मुझे पावर दी गई है कि ये हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं।
ठीक है। अब पावर को एनफोर्स कैसे करा जाए वो उसके लिए दिया गया है ऑर्डर, 51 ऑर्डर्स भी हैं। तो एनफोर्स दैट ज्यूरिसडिक्शन द कोर्ट हैज टू कंप्लाई विद ऑल दीज ऑर्डर्स, ठीक है। और सब कुछ देख के पूरा प्रोसीजर फॉलो करके कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा अपने फाइनली अपने डिसीजन पे आ जाएगा। तो स्टेप है पूरा, ठीक है, दोनों लॉज को लिंक हो रहे हैं एक तरह से, दोनों लॉज लिंक हो रहे हैं एक तरह से। तो अब क्या लिखा है, एक लाइन ऊपर लिखी है, क्रिएट्स द राइट्स एंड लायबिलिटीज। इधर आ जाए प्रोसीजर लॉज में क्या लिखा ऊपर देखो, इट इज एक्सेसरी और सबॉर्डिनेट। ये सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट है किसके, सब्सटेंटिव लॉ। तो एक तरह से क्या बोलेंगे, प्रोसीजरल लॉ इज सबॉर्डिनेट टू द सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं सब्सटेंटिव लॉज प्रिवेल ओवर, देखो लिखा है ना प्रिवेल, सब्सटेंटिव लॉज प्रिवेल ओवर द प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या करेगा, हमेशा हमेशा प्रिवेल करेगा प्रोसीजरल लॉज में। अगर मैं बोलूं देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल, क्या आंसर होगा आपका, आप बोलोगे कि सर सब्सटेंटिव लॉज प्रिवेल कर जाएंगे, सब्सटेंटिव लॉज प्रिवेल कर जाएंगे किसमें, प्रोसीजरल लॉज के ऊपर, ठीक है। आई होप क्लियर है, क्या मतलब क्या हो रहा है प्रिवेल हो जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ आपका ब्रीच हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था, जो भी आपको एग्जांपल दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था, हाँ आपने पैसा दे दिया आपको सामान नहीं मिला तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ मगर उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मान लो एज्यूम करो, एज्यूम करना आपको कि इसमें कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर ब्रीच होता है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। और आप बोलते हो सर प्रोसीजर लॉ तो अलग से बना भी हुआ है, एक सीपीसी बना हुआ, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोसीजर लिखा है ना वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको प्रोसीजर लॉज पे नहीं आना, क्योंकि स्पेशल लॉज जो है तो सब्सटेंटिव लॉ स्पेशल लॉ एक तरह से, ठीक है, उसी में अगर सब कुछ प्रोसीजर दे दिया गया है कि अगर आप ब्रीच होता है तो आपको फॉलो करना है, तो आप क्यों आओगे यहाँ पे सीपीसी के अंदर, तब आप नहीं आओगे, ठीक है, तब उस केस में आप नहीं आओगे। तो इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन स्पेशल लॉ एंड द प्रोसीजर लॉ तो आप कौन सा फॉलो करोगे, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ मतलब वही सब्सटेंटिव लॉज आपको फॉलो कर दें। मगर आपका कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया उसके अंदर, तब आप कैसे आ जाओगे, सीधा आ जाओगे किसके अंदर, सीपीसी में, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा कि प्रोसीजर लॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं किसके, सबॉर्डिनेट होते हैं किसके, सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ के क्या होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं। और ये लाइन नीचे एक और बी पॉइंट लिखा है इसके ऊपर प्रोसीजर के भी, ये तो मैंने आपको बता दिया, इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट्स और लाइबिलिटीज, ना ये राइट्स क्रिएट करता है ना राइट्स आपकी लेता है आपसे, ठीक है, नाइदर क्रिएट्स नॉट टेक अवे एनी ऑफ योर राइट्स। तो ये होते हैं प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर लॉ में एक और जगह लिखा हुआ है, प्रोसीजर लॉ भी दो पार्ट में डिवाइड था, सीपीसी एंड सीआरपीसी। ये देखो भाई ये पोर्शन जो है आपका, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, कब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये वहां पे पोर्शन पढ़ा जाएगा। तो प्रोसीजर लॉज आपके दो हैं, दो में एक सीपीसी है और एक सीआरपीसी है। जब सिविल केसेस होंगे तो आपको फॉलो करना है सिविल प्रोसीजर कोड, जब क्रिमिनल केसेस होंगे तो आपको फॉलो क्या करना है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिवाइड है 484 सेक्शंस में और 2 स्केड्यूल्स में, ठीक है। ये हम लोग जब पूरा डील करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आई होप क्लियर हो रहा है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि हो क्या रहा है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल भी लेते हैं और एक आपको और एग्जाम्पल देता हूं मैं। लो भाई लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, क्या है, अच्छा यहां पे हो रहा है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ वोटिंग राइट का एग्जाम्पल है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ वोटिंग राइट। अब हुआ क्या, थोड़ा ध्यान से सुनना, हुआ क्या, आई होप आप सब भाई 18 साल की उम्र से तो ज्यादा ही हो गए, ठीक है, 18 के प्लस हो गए, वोटिंग कार्ड्स भी होंगे आपके पास, वोटिंग आईडी जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो सब आपके पास रखा होगा घर पे अपने। अब इलेक्शंस आए, अब एज्यूम करना है आपको कुछ, अब आपको मैं बोलता जाऊंगा आपको एज्यूम करना, ठीक है। अब एक आपको अच्छा बेसिक चीज मैं बता देता हूं लॉ को पढ़ने की, बेसिक एक चीज है लॉ को सही से समझने की, अगर आप चाहते हो लॉ को फील करना एकदम ना, तो उसके लिए एक बहुत ईजी चीज बता रहा हूं कि जब लॉ पढ़ो ना, जब भी लॉ को पढ़ा जाए, जब भी लॉ को पढ़ा जाए तो अपने आप को मान लो उस एग्जाम्पल के अंदर, अपने आप को एज्यूम कर लो, अपने आप को ढाल लो, अगर बोला जाए एकदम शुद्ध हिंदी बोला जाए तो ढाल लो आप एग्जाम्पल के साथ अपने आप को। अगर एग्जाम्पल दिया है वोटिंग राइट का, अब यहां पे सामने सामने दिया है, आप समझ लो कि आपकी वोटिंग राइट हर्ट हो रही है। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जाम्पल एक दिया था, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो भी थे, ठीक है, तो आप एज्यूम कर लो आप हो मिस्टर एक्स, एज्यूम कर लो आप हो मिस्टर वाई, एक पार्टी को एज्यूम कर लो कि वो मैं हूं, एक मेरा दोस्त है,
ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी केस हो, अपने आप को फील कराओ। अगर मैं आपको जब सीआरपीसी पढ़ाऊंगा वहां पे मर्डर के एग्जाम्पल आएंगे कि मिस्टर एक्स ने मर्डर कर दिया, मिस्टर एक्स ने रॉबरी करी है, थेफ्ट किया है, ठीक है। आप मान लो भाई कि आई एम द मर्डरर, मानो उसको, मानो अगर मैं होता तो क्या होता, आप मर्डर बन नहीं जाओगे यार, कुछ नहीं होगा ऐसे। ऐसा नहीं कि आप मर्डर, आप बोलोगे सर आपने तो मुझे भाई मर्डर बना दिया, ऐसा नहीं है, आप मर्डर नहीं बनोगे, ठीक है। बट आपको केस समझ बहुत इजीली आएगा, बहुत इजीली समझ आएगा। आपको लगेगा कि अगर आप खुद सोचो कि अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो आप क्या क्या करोगे, आप क्या क्या करोगे, आप बहुत से अपने आप सोचोगे भाई मैं किस तरह से अपने आप को बचा के निकाल डालू, किस तरह से बचाऊ, कहां से सबूत लेके आऊ, किस कौन कौन विटनेस था वहां पे, ठीक है। सब कुछ कोशिश करोगे आप, क्या क्या फैक्ट्स कलेक्ट कर सकता हूं मैं, सब कुछ हो सकता है। तो आप पूरा डीपली उसके अंदर चले जाओगे, पूरा डीपली चले जाओगे उस केस के अंदर, तो आपको बहुत जल्दी और बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो जितने भी एग्जांपल्स मैं दिया करूं, अपने आप को एज्यूम कर लो कि आई एम दैट पर्सन। अगर मैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कर रहा हूं तो आप बोलो कि सर मैं अपना नाम लूंगा वहां पे, आप अपने आप को लो वहां पे, अब अपने आप को इंक्लूड कर लो वहां पे। मैं मिस्टर एक्स बोलता हूँ, आप अपने आप को ले लो, आपका अगर नाम कुछ भी अगर ले लो, मिस्टर अंकुर है, मिस्टर अक्षित है, कुछ भी है, जो भी, आप अपने आप को कर लो, अपना नाम लिख दो आप एग्जाम्पल काट के, अपने नाम लिख के और बोलो कि सर मैं कर रहा हूं ऐसी चीज। तो आप वो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आप नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको लगेगा ये चीज मेरे साथ हुई, ये चीज मेरे साथ हुई है। आपको लॉ अगर समझना, लॉ आप रट नहीं सकते, ये ना सोचना कि लॉ तो पूरा रट लिया जाएगा, भूल जाओ ये चीज, लॉ आप रट नहीं सकते। बहुत तरह के लॉज हैं इंडिया में, बहुत तरीके के लॉज हैं, आप लॉ रट नहीं सकते, लॉ को समझा जा सकता है, समझ सकते हो हर एक चीजों को, ठीक है। और जब वैसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपको एग्जाम्पल्स याद आएंगे कि अरे हाँ ऐसा एग्जाम्पल तो मैंने पढ़ा था, कहीं समझ था, ये तो ये चीज तो मेरे साथ ही हुई थी, क्योंकि आपने एज्यूम करा हुआ अपने आपको, ठीक है। तो आपको एज्यूम करना, हर जगह एज्यूम करना। तो वोटिंग राइट का एग्जाम्पल मैं दे रहा था। अब क्या है कि भाई 18 ईयर्स के अबव है सब, आप भी हो मैं भी हूं, वोटिंग आईडी हमारे पास भी है। अब क्या हुआ, एज्यूम करते हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, और इलेक्शंस की डेट आ चुकी है। आप बोलते हो कि सर मैं भी जाऊंगा वोट देने, ठीक है, मैं बोला आपको सर कि हाँ जी मैं भी जाऊंगा वोट देने। अब आप जाते हो वोट देने, ठीक है, आप गए हो वोट देने गए, ठीक है, आप कहां पहुंच गए, वोट देने जा रहे हो भाई। अब क्या होता, अब वहां पे आप जाते हो तो वहां पे बैठे होते हैं, वोटिंग बूथ जाते हो, वहां पे हो एक वोटिंग मास्टर बैठा होता है, वहां पे देखे हो अंदर बैठा रहता, ठीक है, अंदर बैठा होता वो, क्लियर है। आप उसके पास गए, आपने उसको अपना क्या दिया, वोटिंग आईडी दी अपनी, वोटर आईडी बोलते हैं उसको, वोटर आईडी आपने उसको अपनी दे दी। अब वोटर आईडी जब देते हो तो देखते हो उनके पास एक लिस्ट रखी होती है, एक लिस्ट होती है, एक उनके पास लिस्ट होती है, वो लिस्ट से आपका नेम मैच करते हैं, ठीक है, आपसे साइन करवाएंगे, वहां टिक लगाएंगे और आपसे बोलेंगे अंदर जाइए वोट दे दीजिए, क्लियर है। वो क्या है, वो क्या है, वो एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, वो एक रजिस्टर जिसमें नाम की एंट्री होती है कि किसके किसके नाम पे वोटर आईडी है और कौन कौन वोट दे सकता है। अब ये जो रजिस्टर है ना, ये एक रजिस्ट्रार मेंटेन करता है, ये रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करता है, आपको पता है आपके इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है, रजिस्ट्रार वो रजिस्टर्स को मेंटेन करता है, उसमें लिस्ट बनाता है पूरी अलग अलग और हर एरिया वाइज बांट देता है उसको कि यहाँ पे कौन कौन वोट दे सकता है, ठीक है, वो आपके एड्रेस के हिसाब से होता है। तो अब फाइनली हुआ क्या है, ये सब बात को अगर साइड में रखू, मैं फाइनली बताता हूँ कि आप पहुंच गए हो अंदर, ठीक है, वोटिंग बूथ बोलते हैं उसको, ठीक है, वोटिंग सेंटर बोल लो, बूथ बोल लो, जो आपको बोलना बोलो। आप गए वहां पे बैठा वोटिंग मास्टर, आपने उसको दिया अपना कार्ड कि सर ये लीजिए मेरी वोटर आईडी, वो वोटर आईडी को क्या करता है, चेक करता है, सब कुछ देखता है कि हाँ आपका नाम भी मैच कर रहा है, बट वो आपको बोलता है साहब आपको मैं वोट देने नहीं दे सकता। आप बोलते हो कि सर मेरा नाम नहीं है क्या उस लिस्ट में, वो बोलते हैं सर नाम तो है, नाम तो है, बट मैं फिर भी आपको वोट देने नहीं दूंगा, आप अंदर नहीं जाएंगे वोट देने। आप बोलते हो ये कैसी नाइंसाफी है भाई, वोट देना तो मेरा एक राइट है, मेरा एक राइट है, ठीक है। तो आपका क्या था, वोटिंग जो थी आपका की क्या थी, वो आपका एक हक है, आपका एक राइट है, ठीक है, मगर वो बोलता है कि मैं आपको वोट देने नहीं दूंगा, वोट देने नहीं दूंगा। तो क्या हुआ, ये इंफ्रिंजमेंट हो गई आपकी वोटिंग राइट की,
वोटिंग राइट की क्या हुई भाई, वोटिंग राइट की सर हो गई मेरी इंफ्रिंजमेंट, मुझे वोट देने नहीं दिया गया। क्या हुआ ये इंफ्रिंजमेंट ऑफ वोटिंग राइट हुआ, तो क्या हुआ आपका, हुई लीगल इंजरी, आपको हुई लीगल इंजरी, आपको लॉ, आपको लॉ कानून आपका इंडिया का आपको हक देता है, एक राइट देता है कि यू कैन राइट टू वोट, आपके पास है राइट टू वोट, बट वो राइट मेरा छीन लिया गया, तो आपको हुई लीगल इंजरी हुई, आपको लीगल इंजरी हुई, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो वोटिंग मास्टर बैठा है कि आई विल फाइल अ सूट, आई विल फाइल अ सूट, क्योंकि मेरी मुझे हुई है लीगल इंजरी, मेरी वोटिंग राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ। आप क्या करोगे, आप फाइल करोगे सिविल केस, यही करोगे सिविल केस, और कहां जाओगे आप, सिविल कोर्ट के अंदर, यही हो रहा है, यही आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एग्जाम्पल जो दिया था वो भी यही था, यही हो रहा है। अब आप कहां जा रहे हो, सिविल कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, तो आप सिविल कोर्ट क्या करेगा, सिविल कोर्ट विल फॉलो द प्रोसीजर, सिविल कोर्ट विल फॉलो द प्रोसीजर। अब आप अपने आप को क्या मान लिए हो कि भाई सर मेरी ना वोटिंग राइट जो थी वो इन्फ्रिंज हो गई, अब सर आप मुझे बताओ कि सर मैं क्या करूं, मैं कोर्ट तो जाना चाहता हूं, मुझे कोर्ट तो जाना है, बट मैं कैसे, क्या प्रोसीजर होगा वहां पे, क्या प्रोसीजर होगा, चलो देखते हैं क्या प्रोसीजर होगा। चलो भाई, द पर्सन हूज राइट्स हैव इन्फ्रिंज्ड इज मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स आप कौन हो, मिस्टर एक्स, आप अपना नाम जोड़ लो मिस्टर एक्स में, अपना नाम जोड़ लीजिए मिस्टर एक्स में कि आप कौन हो, अपना नाम लिखो वहां पे, समझो अपने आप को कि मैं हूं ये चीज, ठीक है। द पर्सन हूज राइट्स हैव इन्फ्रिंज्ड इज मिस्टर एक्स, अब मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, मिस्टर एक्स क्या करता है, कोर्ट में जाता है, ठीक है। देखो लिखा है प्रोसीजर व्हेन राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड, क्या प्रोसीजर है, मिस्टर एक्स विल फाइल अ प्लेंट टू सिविल कोर्ट, विल फाइल अ प्लेंट टू द सिविल कोर्ट, ये प्लेंट क्या है भाई, व्हाट इज दिस प्लेंट, ये प्लेंट वर्ड क्या है सर, क्या है ये प्लेंट, व्हाट इज दिस प्लेंट, प्लेंट क्या है, स्टेटमेंट होता है, प्लेंट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड रिलीफ सॉट, व्हाट इज प्लेंट, प्लेंट क्या होता है, प्लेंट एक स्टेटमेंट है, प्लेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्स लिखेंगे क्या, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, फैक्ट्स क्या थे, ठीक है, और रिलीफ सॉट, रिलीफ सॉट कि आप चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, तो पूरे आप फैक्ट्स बताओगे प्लेंट में, ठीक है। प्लेंट क्या है, स्टेटमेंट है जो आप फाइल करते हो कोर्ट में, कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट दोगे ना कोर्ट को कि सर क्या क्या हुआ, कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट फाइल करोगे ना, जब केस फाइल करते हो आप तो क्या होता है उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, प्लेंट, और जो फाइल करता है, जो मिस्टर एक्स जो फाइल कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ, देखो यहां लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मैंने लिखा यहां पे प्लेंटिफ, तो मिस्टर एक्स कौन है भाई, मिस्टर एक्स इज द प्लेंटिफ, मिस्टर एक्स इज द प्लेंटिफ, द पर्सन वन हु फाइल्स द सिविल केस, द वन हु फाइल्स द सिविल केस इज नोन एज प्लेंटिफ, एंड द डॉक्यूमेंट और द स्टेटमेंट which is filed by the plaintiff, it is known as the plaintiff. ये सब legal words हैं, सब legal terms हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। Plaint, plaint file किया उसने, plaint क्या contain करता है, अब plaint कहाँ file कर रहा है, देखो भाई civil court में, कहाँ civil court में, अब देखो नीचे लिखा he will mention in the plaint, plaint में क्या क्या include होगा, plaint में क्या क्या लिखा रहेगा, जो statement वो दे रहा है, document दे रहा है court में, क्या लिखा रहेगा, his rights that have infringed, his rights, वो बताएगा court को कि सर मैं 18 साल के ऊपर हूं, मेरी मेरे पास वोटर आईडी भी है, मैं वहां पे गया था और मुझे वोट देने नहीं दिया गया, तो क्या बता रहे हो आपके राइट्स दैट हैव इन्फ्रेंस, कौन सा राइट इन्फ्रेंस हुआ है, वोटिंग राइट, आप बोलोगे सर मेरा एक वोटिंग राइट था जो इन्फ्रेंस हुआ, तो पहले तो आप ये बताओगे कि सर मेरा वोटिंग राइट इन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन वही हो गया, कॉज ऑफ एक्शन का क्या हो गया, फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच राइट्स गॉट इन्फ्रेंस, किस लिए आपका राइट्स इन्फ्रेंस हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन वर्ड समझ आता है क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, देखो वर्ड से इसको समझो, कॉज ऑफ एक्शन, एक्शन लेने का कारण क्या है, प्लेंटिफ ने जो एक्शन लिया है, प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया है, सूट फाइल जो कर रहा है, केस फाइल कर रहा है जो, उसके पीछे का कारण क्या है, कॉज ऑफ एक्शन, एक्शन क्या ले रहा है, तो फैक्ट्स बताओगे आप पूरे पूरे बताओगे, जो जो कहानी थी पूरी आप बताओगे, मैं गया हूं वहां पे, मैंने बोला है मेरे लिस्ट में नाम था बट मुझे वोट देने नहीं दिया गया, ठीक है, ये पूरा आप उनको फैक्ट्स बताओगे, वर्ड टू वर्ड वहां पे लिखे रहेगा, सब लिखा, सब लिखोगे आप, ठीक है। और तीसरा आप बताओगे कि आप चाहते क्या हो, रिलीफ एक्सपेक्टेड, आप चाहते क्या हो,
ठीक है, अब आप कंपनसेशन चाहते हो, क्या चाहते हो वो भी आप उस चीज में मेंशन करोगे। ठीक है, तो तीन चीजें इंक्लूड होंगी देखो प्लांट के अंदर, कि आपका क्या कौन सा राइट इन्फ्रिंज हुआ पहला वो, उसके बाद लिखो कॉज ऑफ एक्शन कि आपने एक्शन लिया उसके पीछे कारण क्या था, पूरा पूरा आप डिटेल में बताओगे कोर्ट को लिख के, और तीसरा बताओगे कि सर मैं चाहता क्या हूं। यही होगा, आपने भाई प्लेंट फाइल कर दी, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इनका कि मुझे इंसाफ चाहिए, देखो लिखा है मुझे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ के लिए तो भाई, इंसाफ के लिए तो एक ही मंदिर है, और वो मंदिर है हमारा कोर्ट, हमारी जुडिशियरी। ठीक है, तो इंसाफ के लिए आप में कोर्ट में गए हो, कोर्ट में आपने प्लेंट फाइल कर दिया है। अब क्या होगा भाई, अब कोर्ट के पास प्लेंट पहुंच गया है, वो स्टेटमेंट आ गया है। नाउ द कोर्ट विल कॉल द पर्सन, नाउ द कोर्ट विल कॉल द पर्सन हु इन्फ्रिंज्ड द राइट ऑफ प्लेंटिफ। अब कोर्ट क्या करता है, जिसने आपके राइट्स को इन्फ्रिंज किया उसको बुलाता है, ठीक है, हु इन्फ्रिंज्ड द राइट ऑफ द पर्सन एंड आस्क हिम, और उसे बोलता है आस्क हिम टू गिव द रिटन स्टेटमेंट। उसको बोलेगा कोर्ट, उसके पास नोटिस जाएगा और उनको बोलेगा कि भाई गिव द रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, एंड गिव द रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ये देखो लिखा है रिटन स्टेटमेंट क्या है, रिप्लाई टू द एलिगेशंस, कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाई गई है उसके लिए आपको कोई सफाई देनी है तो दीजिए, आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाई गई है आपको कोई सफाई देनी है तो दीजिए। तो देखो इसको पढ़ा जाए तो पर्सन क्या है, नाउ द कोर्ट विल कॉल द पर्सन, कौन है पर्सन, डिफेंडेंट, देखो कौन है पर्सन, डिफेंडेंट, कॉल द पर्सन हु इन्फ्रिंज्ड, जो जिसके अगेंस्ट, मतलब डिफेंडेंट कौन हो गया, जिसके अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है, दैट पार्टी इज डिफेंडेंट। नाउ द कोर्ट विल कॉल द पर्सन हु इन्फ्रिंज द राइट ऑफ द प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है, किसके अगेंस्ट किया है, जिसके अगेंस्ट भी किया है, दैट पर्सन इज नोन एज द डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट को कोर्ट बोलेगा कि आप फाइल क्या करिए, एक रिटन स्टेटमेंट दीजिए, एक रिटन स्टेटमेंट दिए, रिटन स्टेटमेंट मतलब रिप्लाई टू द एलिगेशन, या इट इज अ रिप्लाई टू द प्लेंट फाइल अगेंस्ट हिम। कोर्ट बोलेगा कि एक रिटन स्टेटमेंट लिख के दिए, कुछ सफाई दीजिए आप, आपकी कि आपके अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ है उसमें आपको पनिश क्यों ना करा जाए, पनिश क्यों नहीं जाए, या पेनल्टी आपसे क्यों ना ली जाए। ठीक है, आपके अगेंस्ट सूट फाइल करा गया है तो उसके लिए आप कोई जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा आपका, वो अपना जवाब देगा, जवाब लिख के देगा। ठीक है, जवाब लिख के उसने दे दिया, कोर्ट में भिजवा दिया, जैसे प्लेंट फाइल हुआ था वैसे सामने डिफेंडेंट ने क्या कर दिया, डिफेंडेंट ने क्या कर दिया भाई, रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, रिप्लाई फाइल कर दिया कि सर ये कारण है जिसकी वजह से ऐसा ऐसा मैंने करा, जो भी है। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट हियरिंग करवाएगा, आफ्टर दिस देयर विल बी द हियरिंग, हियरिंग का मतलब अब ट्रायल शुरू हो जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट दोनों पार्टी को बुलाएगा, एक डेट डिसाइड करेगा कि भाई फलानी तारीख को दोनों पार्टी को यहां पे अपियर होना है, और यहां पे चलेगा अब केस, अब चलेगा केस, अब केस शुरू होगा। ठीक है, अपनी अपनी सफाइयां सब देंगे। आफ्टर दिस देयर विल बी द हियरिंग, जब हियरिंग होगी, हियरिंग शुरू हो गई है भाई, हियरिंग चल रही है कोर्ट में। अब हियरिंग चलते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब कोर्ट अपना क्या देगा, अपना डिसीजन सुनाएगा। अब वो डिसीजन देखो तीन तरीके के होते हैं कोर्ट में, कोर्ट में तीन तरीके के डिसीजन होते हैं। हाँ, वर्ड्स देखो हम लोग पढ़े तो अलग अलग है, मगर सुनने में अगर कोई, अगर मैं लेमैन पर्सन से पूछूं जिसको नहीं पता कुछ लॉ के बारे में, उसको सब एक ही तरह लगेगा। अब मैं बोलता हूँ कोर्ट की जब हियरिंग होती है, कोर्ट डिसीजन जो देता है उसको डिग्री भी बोलते हैं, डिसीजन होता है जिसको बोलते हैं डिग्री, एक डिसीजन होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर, एक होता है जिसको बोलते हैं जजमेंट। अब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस, अभी हम लोग बस नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड है शायद, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं बोलता हूं कोर्ट ने पास करी है डिग्री, कोर्ट ने पास करी है डिग्री, डिग्री पास करी, डिग्री कोर्ट ने क्या पास कर दी भाई, डिग्री। कोर्ट डिग्री का मतलब होता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपकी बताना। ठीक है, डिग्रीज का ये होता है मतलब, डिग्रीज का मतलब होता है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपका बता रहे एक तरह से, डिग्री पास करी कोर्ट ने। ठीक है, अब क्या होगा, कोर्ट ने डिग्री पास करी, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने पास कर दी डिग्री, एक डिसीजन पास करा, और डिसीजन में क्या लिखा था, एज्यूम करो क्या लिखा था, कोर्ट पासेस डिग्री इन फेवर ऑफ मिस्टर, जो प्लेंटिव था, जो प्लेंटिव था जिसकी वोटिंग राइट्स इन्फ्रिंज हुई थी, उसके फेवर में पास कर दिया, जिसके फेवर में पास कर दिया, जो वो चाहता था, जो रिलीफ वो चाहता था उसके फेवर में
पास हो गई। तो अब जब पास हो जाती है तो जो प्लेंटिफ था उसको बोलेंगे डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर उसको बोलेंगे डिग्री होल्डर, ठीक है। और जिसके अगेंस्ट डिग्री पास होती है उसको बोलते हैं जजमेंट डेटर, उसको बोलते हैं क्या, जजमेंट डेटर, उसको बोलते हैं जजमेंट डेटर, ठीक है। जिस पार्टी के फेवर में डिसीजन आ रहा है, मैं भी डिसीजन वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी डिग्री ऑर्डर जजमेंट आपको नहीं पता, तो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। जिस पार्टी के फेवर में अगर डिसीजन आ रहा है, ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं एक तरह से डिग्री होल्डर, और जिस पार्टी के अगेंस्ट में डिसीजन आ रहा है उसको बोल रहे हैं हम जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर। तो ये पूरा प्रोसीजर था, ये पूरा प्रोसीजर ये फॉलो करता है, ये कौन करता है, ये कोर्ट पूरे प्रोसीजर फॉलो करता है। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, जब डिग्री आई द जज विल पास द जजमेंट, जज विल पास द जजमेंट, जजमेंट क्या होता है भाई, रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द कोर्ट गिव द डिग्री, द रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द कोर्ट गिव द डिग्री। अब एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, चलो इस स्लाइड में मैं फिर से वापस एक बार आता हूं, मगर आपको पहले मैं एक चीज दिखाता हूं कि ये हो हुआ क्या, ये डिग्री जजमेंट ऑर्डर ये तीन चीजें हैं क्या, मैं पहले आपको ये दिखाता हूं। ये लो भाई, जज क्या दे सकता है, जज के पास तीन चीजें हैं देने के लिए, हेयरिंग होती है, आपने भी देखा हो पीछे की हेयरिंग हो रही है। अब हेयरिंग में जब फाइनली जज अपना डिसीजन सुनाता है एक तरह से, या बीच बीच में भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हेयरिंग चलती रह रही है मगर कुछ ना कुछ बीच में बोलता है, ठीक है, पार्टीज को ऐसा करना है वैसा करना है ऐसा नहीं करना जो भी बीच में बोलता है, तो वो भी एक पार्ट है, वो भी डिसीजन का पार्ट होता है। सबको अलग अलग चीजें बोली गई, एक को बोलते हैं डिग्री, कोई डिसीजन होते हैं इसको बोलते हैं डिग्री, कोई ऐसे कोर्ट के डिसीजन होते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर, और कुछ होता है जजमेंट, ठीक है, तीनों अलग चीजें। अब जज कैन पास डिग्री, जज कैन पास ऑर्डर, जज कैन पास दी जजमेंट। अब डिग्री क्या चीज है, देखो डिग्री से शुरू करते हैं, डिग्री क्या चीज है भाई, व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या है, डिग्री है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय जज, फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय जज ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ डिस्प्यूटिंग पार्टी, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय द जज ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डिस्प्यूटिंग, जब राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो बताती है चीज, ठीक है, डिग्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका, एडजुडिकेशन बाय द जज, एडजुडिकेशन बाय द जज ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टी, जो पार्टी डिस्प्यूटेड पार्टीज, कौन सा डिस्प्यूटेड पार्टी, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई डिस्प्यूटिंग पार्टीज थी, इनके बीच में केस चल रहा है, जिसके बीच में हेयरिंग चल रही है, वो डिस्प्यूटिंग पार्टीज, उनका क्या राइट्स है क्या लाइबिलिटीज है, ठीक है। अगर कोई जज ने डिसीजन दिया है जिससे हमको ऐसा पता चलता है कि इससे राइट्स एंड लाइबिलिटीज पता चल रही है पार्टीज की, तो उसको बोलते हैं डिग्री, उसको बोलते हैं डिग्री, उसको क्या बोलते हैं डिग्री, ऐसे डिसीजन से जिससे क्या पता चल रहा है कि ये बताता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टीज, उसको बोला जाता है डिग्री, उसको बोलते हैं डिग्री। अब क्या हो रहा है आपका, देखो एडजुडिकेशन का मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय द जज, एडजुडिकेशन का मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, एडजुडिकेशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, एविडेंस को देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस देखा जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विटनेस एंड विजडम ऑफ जज, एडजुडिकेशन कैसे होता है, एविडेंस, एविडेंस के भरोसे क्या करता है जज, क्या करेगा, एविडेंस सबूत देखेगा, ठीक है, गवाह विटनेस देखेगा, एंड विजडम ऑफ द जज, जज अपना खुद दिमाग लगाएगा, अपना अपना सोचने का तरीका उसका होता अलग से, वो भी लगाएगा दिमाग, ठीक है, इस केस में क्या करा जाए, तो एविडेंस भी देखेगा, विटनेस भी देखेगा, और विजडम ऑफ द जज, इसके बेसिस पे डिसाइड करता है जज, इसके बेसिस पे जो उसने राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताई, दैट डिसीजन इज नोन एज द डिग्री, दैट डिसीजन इज नोन एज द डिग्री, ठीक है, इसको बोला जाता है डिग्री। अब इसके बाद अगर देखा जाए, डिग्री जो आपकी है ना, डिग्री जो आपकी है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्रीलिमिनरी, एक होती है फाइनल, एक होती है डिग्री प्रीलिमिनरी, एक डिग्री होती है आपकी, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक होती है प्रीलिमिनरी, एक होती है फाइनल। प्रीलिमिनरी डिग्री क्या है भाई, व्हाट इज प्रीलिमिनरी डिग्री, प्रीलिमिनरी डिग्री कौन सी होती है, प्रीलिमिनरी डिग्री ऐसी डिग्री है, वो एक ऐसी डिग्री होती है जो कि
प्रोसीडिंग्स के बीच में दी जाती है। प्रोसीडिंग्स के बीच मतलब एक तरह से कि व्हेन द प्रोसीडिंग्स फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन, एक तरह से ये बोल सकता हूं, व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन, मतलब अभी केस खत्म नहीं हुआ, पूरा हियरिंग पूरी खत्म नहीं हुई है, मतलब बीच में ही कोई डिक्री आ गई, बीच में उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी, ठीक है। और फाइनल डिक्री क्या होगी, एक होती है फाइनल डिक्री, प्रीलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल। फाइनल डिक्री क्या होगी, व्हेन द सूट इज फाइनली डिस्पोज ऑफ, जब सूट आपका फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे फाइनल, ठीक है। तो डिक्री आपकी क्या है, डिक्री आपकी दो है, एक है आपकी प्रीलिमिनरी है, ठीक है, प्रीलिमिनरी डिक्री होती है, और एक आपकी होती है फाइनल डिक्री। ये हम लोग सब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में आएगा सब कुछ अभी, अभी तो मैं आपको खाली ऊपर से बता रहा हूं कि हो क्या रहा। तो डिक्री क्या हो रही है, डिक्री ऐसा है जज जज का एडजुडिकेशन होता है कि जिसमें वो बताता है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपकी पार्टीज की क्या है, सिर्फ उसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज पता चलती है डिक्री में, और कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या रहेगी, ठीक है। और डिक्री आप देखोगे हमेशा लास्ट में लिखी रहती है, पूरी लास्ट में लिखी रहेगी कि ये करना है सामने वाली पार्टी को। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल दिया था कि एक को गुड सप्लाई करना था और गुड्स उसने सप्लाई नहीं किया, ठीक है, और फेवर किसके फेवर में जजमेंट पास हो गई, किसके फेवर में आई डिसीजन, किसके फेवर में आया आपका, किसके, परचेजर के, कि भैया मुझे गुड्स मिलने चाहिए थी क्योंकि मैंने एडवांस पेमेंट दे दी है, एडवांस पेमेंट जब मैंने दे दी है तो मुझे गुड्स मिलने चाहिए, मगर उसको गुड्स नहीं मिले तो कोर्ट ने क्या करा, किसके फेवर में डिसीजन दे दिया, परचेजर के, जो परचेजर के जो फेवर में डिसीजन दिया तो वहां पे क्या लिखेगा कि इसको गुड्स आप प्रोवाइड करिए या सप्लाई करिए। तो ये आप क्या बताया, एक आपने डिक्री दी, ये राइट बता रहा है, उसका हक बता रहा है कि आपका हक है गुड लेना, तो यही डिक्री पोर्शन होगा, बस इतना ही डिक्री पोर्शन होगा, ये इसको खाली बोलेंगे डिक्री, और कुछ नहीं डिक्री। डिक्री इज दिस कि आपकी क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसके जज के बोलने से आई है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बाय द जज, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ किसका, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन किस बेस पे करेगा जज, ऑन द बेसिस ऑफ, एडजुडिकेशन किस बेस पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ विटनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ विजडम ऑफ द जज। अब क्या हो रहा है भाई, जज ऑर्डर भी देता है, जज ऑर्डर भी देता है, ऑर्डर का क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जज, फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन हो रहा है जज का, ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जज हो रहा है। और क्या हो रहा है भाई, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जज और क्या है, ऑर्डर इज नॉट अ डिग्री, देखो एक पॉइंट तो ये है फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है सर। दूसरा बोलते हैं ऑर्डर इज नॉट अ डिग्री, क्यों भाई, एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट गिव्स सम डायरेक्शन, ऑर्डर क्या करता है, कुछ डायरेक्शन देता है टू द ऑनगोइंग केस, बट डजंट डिसाइड राइट एंड लाइबिलिटी, राइट एंड लाइबिलिटी नहीं बताता ऑर्डर, जब कोर्ट ऑर्डर पास करता है ना तो उस ऑर्डर में कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं बताता, वो खाली एक उसका नॉर्मल सा डायरेक्शन होता, एक नॉर्मल सा डायरेक्शन देता है, उसमें कुछ भी आपका ये नहीं रहता कि भाई राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिसाइड हो रही है। अब होता है ना तारीख पे तारीख चलती रहती है, अब क्या हो रहा है कि कोर्ट चल रहा है, हियरिंग चल रही है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, क्या बोला, कोर्ट पास दी ऑर्डर कि अब हियरिंग आपकी एडजर्न करी जा रही है, हियरिंग एडजर्न करी जा रही है, ठीक है, आज हियरिंग नहीं होगी, कब होगी, एक हफ्ते बाद होगी। तो कोर्ट पास दी एडजर्नमेंट ऑर्डर, इसको बोलेंगे एडजर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ने क्या करा है, ऑर्डर को ऑर्डर दिया है थ्रू एडजर्न दी हियरिंग, एडजर्न दी हियरिंग, हियरिंग एडजर्न हो गई। अब एक ऐसे ऐसे आता है, कोर्ट पास दी ऑर्डर फॉर द कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉर द कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर पास कर रहा है, क्या कोर्ट ने ऑर्डर पास क्या किया है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है फॉर द कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो क्या इसमें कोई राइट क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी आ रही, कुछ नहीं हो रहा, कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो गई, बस प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर रहे हैं आपकी, ठीक है, जब तक मैटर चल रहा है, जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आपकी प्रॉपर्टी क्या कर ली, कॉन्फिस्केट कर ली, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या कर रहा है, एक कुछ डायरेक्शन देता है, बस कुछ डायरेक्शन दे रहा है पार्टीज को, बट वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिसाइड नहीं करता। तो डिक्री और ऑर्डर में यही डिफरेंस है, एक तरह से डिक्री क्या करता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है, और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एक खाली नॉर्मल एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, मगर ये क्या, राइट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं बताता, राइट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं बताता। और ये फॉर्मल एक्सप्रेशन जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये होता है मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन जो रहेगा वो रहेगा मतलब जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रहता है ऑर्डर या डिग्री जो भी है, इसका मतलब होगा ऑन जुडिशियल स्टैम्प पेपर,
ऑन जुडिशियल नॉर्मल स्टैम्प पेपर के साथ नहीं हो रहा है, जुडिशियल स्टैम्प पेपर अलग होता है, ऑन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक है, साइन होगा, सब कुछ होगा, उसको बोलते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जज, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जज। तो ऑर्डर एक डिक्री नहीं है, क्योंकि ऑर्डर राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करता कुछ, एक नॉर्मल सा एक डायरेक्शन होता। अब आगे बात करते हैं जजमेंट की, जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या चीज है, जजमेंट कंटेन्स दी रीजन एंड लॉजिक्स, जजमेंट कंटेन्स दी रीजन एंड लॉजिक, रीजन एंड लॉजिक, ठीक है, या इसको मैं बोल सकता हूं कंटेन्स दी, इट कंटेन्स, और मैं बोलता हूँ कंटेन्स क्या, रीजन एंड लॉजिक भी कंटेन करता है, या इसको मैं बोलता हूँ इट कंटेन्स दी क्या, फैक्ट्स, कंटेन्स दी फैक्ट्स, कंटेन्स दी एविडेंस, बोल सकते हैं इट कंटेन्स दी फैक्ट्स, इट कंटेन्स दी एविडेंस, कंटेन्स दी फाइंडिंग्स, क्या क्या मिला कोर्ट को, फाइंडिंग्स एक्सेट्रा, कंटेन्स दी फैक्ट्स हो गए, एविडेंस हो गए, फाइंडिंग्स हो गए, ठीक है। और इसको एक और भी मैं बोल सकता हूँ, इट ऑल्सो इंक्लूड द कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट भी बोल देता हूं उसको, ये इंक्लूड क्या करेगा, कंक्लूजन कि कोर्ट ने क्या बोला फाइनली, कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट, ये भी इंक्लूड कर लेगा लोग। तो फाइन क्या हो गया, कंटेन्स द रीजंस एंड लॉजिक कि भाई फाइनली जो डिसाइड कर रहा है कोर्ट, फाइनली जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है, ठीक है, अपना डिसीजन फाइनली सुना रहे, डिक्री दे रहा है, वो डिक्री देने के पीछे कारण क्या है, व्हाट वाज द रीजंस, किस रीजन पे, क्या लॉजिक लगाया, क्या फैक्ट्स देखे गए, क्या एविडेंस देखे गए, कौन से विटनेस देखे गए, क्या फाइंडिंग्स मिली, इस क्या क्या कारण था जिससे एक फाइनल आपने डिग्री पास करी लास्ट में आके, उसको बोला जाता है जजमेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है जजमेंट। तो रीजंस एंड लॉजिक, डिग्री क्या है, डिग्री सिर्फ राइट्स एंड लाइबिलिटीज बता रहा है, जजमेंट क्या है, पूरा जजमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, जजमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। अब आपको मैं बताऊं होता क्या है, जब कोर्ट की जजमेंट पास आती है ना, जजमेंट में बोलूं कभी 50 पेज, कभी 100 पेज, कभी 200 पेज, इतनी बड़ी होती है, तो जजमेंट का मतलब क्या है, उसमें हर एक चीज लिखी है स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या केस हुआ, क्या क्या चला, कोर्ट ने क्या क्या चीजें देखी, कौन कौन से सबूत आए, कोर्ट को क्या क्या चीजें मिली, कौन कौन से गवाह आए, ठीक है, सब कुछ रहेगा, दैट इज जजमेंट, पूरा सब कुछ लिखा हुआ, लास्ट में, लास्ट के पेज में, या आधा पेज होगा या मैक्सिमम एक पेज होगा, वहां पे जो लिखा रहता है ना कि सब सबूतों को देख के, हाँ, जो जज फाइनली सुनाता है, लास्ट में एकदम लिखा रहता है ना कि इसके पक्ष में कर रहे हैं, इसके फेवर में जा रहा है डिसीजन, दैट इज डिक्री, दैट इज डिक्री, ठीक है, जो लास्ट में लाइन लिखी होती है ना, लास्ट में आधा पेज की या एक पैराग्राफ होता है या एक मैक्सिमम एक पेज का होता है, जो लास्ट में है, जो राइट्स एंड लाइबिलिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, सब चीजों को देख के, सब चीजों को देख के, सबूतों को देख के, गवाहों को देख के, फैक्ट्स को देख के, कोर्ट इसके पक्ष में अपना डिसीजन सुनाता है, दैट डिसीजन इज डिक्री, मगर जो पूरा केस बताया आपको, फैक्ट्स हो गए सब, ये सब क्या है, दिस इज जजमेंट, दिस इज जजमेंट, ये पूरी जजमेंट है। तो जजमेंट इंक्लूड्स डिक्री, क्योंकि देखो मैंने यहां पे लिखा ना, देखो ऊपर लास्ट पॉइंट में लिखा है कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट भी लिखा ना मैंने, कंक्लूजन कोर्ट क्या कंक्लूड कर रहा है, ये भी तो इंक्लूड कर रहा है, तो कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट क्या है, वो डिक्री है। तो जजमेंट इंक्लूड्स डिक्री, डिक्री, ठीक है, जजमेंट क्या है, सब कुछ, जजमेंट मतलब पूरे फैक्ट्स भी हैं, पूरे फाइंडिंग्स भी हैं, पूरे रीजंस हैं, पूरे लॉजिक्स हैं, लास्ट में कंक्लूजन है, वो पूरे जजमेंट है। नीचे का लिखा, जजमेंट इज रिटन बाय द जज बिफोर राइटिंग डिक्री और ऑर्डर, ठीक है, तो समझ आ गया, क्योंकि ऊपर ही लिखा है पूरा रीजंस एंड लॉजिक, तो ऊपर लिखे हुए, ऊपर लिखे हैं, उसके नीचे तो लास्ट में तो डिग्री आ रही है, तो पहले जज क्या बताता है, पूरे रीजंस देता है, पूरे लॉजिक बताता, पूरे कारण बताएगा आपको क्या हुआ, किसकी किसकी वजह से ऐसा डिसीजन आ रहा, सब कुछ बताएगा, लास्ट में आपकी दे देगा डिग्री या ऑर्डर। तो जजमेंट क्या होती है, इज रिटन बाय द जज बिफोर राइटिंग दी, बिफोर राइटिंग दी डिग्री और ऑर्डर, समझ आता है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये, आई होप क्लियर होगा। तो मैं एक तरह से बोल सकता हूं, अच्छा मैं एक लाइन बोल दूं, मैं एक तरह से बोलता हूं कि भाई मैं अगर बोलूं यहां पे लिखता हूं मैं, चलो मैं बोलता हूं कि जो डिक्री है ना, डिक्री मैं बोलता हूं, डिक्री फॉर्म्स द लास्ट, डिक्री फॉर्म्स द लास्ट पार्ट ऑफ द जजमेंट, पार्ट ऑफ, बोल सकते हैं, डिक्री फॉर्म्स द लास्ट पार्ट ऑफ द जजमेंट, डिग्री कहां पे होती है, जजमेंट के हमेशा एकदम
लास्ट में होगी, ये पूरा स्टेटमेंट देता है दैट इज जजमेंट, और लास्ट में जो पैराग्राफ होता है, लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं जजमेंट। और जब इसी को अगर उल्टा तरीके से बोल दो तो क्या बोलोगे आप, इसी को अगर उल्टा के तरीके से बोल दे तो बोल सकते हैं ना कि भाई जो सर ये डिक्री है, ये जजमेंट है ना, जजमेंट इज द स्टेज, जजमेंट क्या है, जजमेंट, जजमेंट इज द स्टेज, कैसी स्टेज है, जजमेंट इज द स्टेज प्रायर टू द, प्रायर टू द, prior to the passing, prior to the passing of a decree, बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं judgment is a stage prior to the passing of a decree, clear है, clear है, ठीक है। तो भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि जजमेंट की जो स्टेज है वो कैसी होती है, जजमेंट की जो स्टेज है कैसी होगी, प्रायर रहेगी, पहले होती है, पहले, जिस क्योंकि जजमेंट के ऊपर ही तो एक तरह से डिग्री दी जा रही है, जजमेंट के जो रीजंस है लॉजिक उसी के ऊपर तो आपकी डिग्री दी जा रही है, ठीक है, उसी के ऊपर आपकी डिग्री दी जाती है। एक लाइन और मैं बोलता हूं, चलो भाई एक लाइन और लिख लो यहां पे, एक लाइन और बोलता हूं, डिक्री जो होती है, डिक्री हैज टू बी इन लाइन विद द जजमेंट, समझ आता है, या बोल सकते हैं हैज टू बी इन लाइन, या बोल सकते हैं हैज टू बी इन हार्मनी विद द जजमेंट, बोल सकते हैं हैज टू बी इन हार्मनी विद द जजमेंट, क्लियर है। जैसे रीजंस दिए गए, जैसे लॉजिक्स आए आपके, जिस जैसे आपके विटनेस आए, जैसे आपके एविडेंस आए, उन्हीं के बेसिस पे आपकी डिग्री रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ और ऊपर लिखा हुआ जजमेंट में, कुछ और ऊपर लिखा हुआ पूरा, आपने डिग्री कुछ और फेवर उसके कुछ और लिख दिया आपने, ठीक है, क्योंकि रीजंस ऊपर जो लिखे, ऊपर लॉजिक्स लिखे, ऊपर एविडेंस जो लिखे, वो सब ऐसा शो कर रहा है मुझे कि भाई जो केस है ना वो प्लेंटिफ के फेवर में जाना चाहिए, ऐसा शो कर रहा है। मगर अगर आपने जो डिग्री पास करी वो आपने पास ऐसे कर दी कि भाई वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिफेंडेंट के फेवर में पास कर दी, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर आपने सब दिखाया, जो आपने फैक्ट्स शो करे हैं ऊपर, जो लिखा है सब कुछ आपने, हाँ आपके 100 पेज की जजमेंट थी, जो ऊपर आपके 99 पेजेस थे, उससे पता चलता है कि भाई ये डिसीजन तो प्लेंटिव के फेवर में, मगर जब डिक्री देखा जाता है, लास्ट पेज आपका देखा तो वहां लेकर लिखा हुआ है कि भाई डिफेंडेंट के फेवर में पहुंच गई, तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो डिक्री हैज टू बी इन लाइन विद द जजमेंट, जजमेंट के साथ साथ चलेंगे दोनों, या बोल सकते हैं डिक्री हैज टू बी इन हार्मनी विद द जजमेंट, डिक्री हैज टू बी इन हार्मनी विद द जजमेंट। अब मेरे हिसाब से आपको ये वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे, डिक्री क्या चीज है, ऑर्डर क्या चीज है, ये अभी डिटेल में भी आने वाला, अभी आपको, अभी तो मैं खाली आपको पीपीटी से बता रहा हूँ, डिटेल में भी बताऊंगा डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, और जजमेंट क्या है। तो अब आपको समझ आ रहा है, अब लास्ट वाले एग्जांपल में अपने आप अगर आऊं मैं, जो बोल रहा था वोटिंग राइट वाला, तो वोटिंग राइट में क्या हुआ था, देखो कोर्ट पासिस द डिक्री, अब आपको टर्म समझ आएगा, कोर्ट पासिस द डिक्री, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट किसके फेवर में पास करी, इन द फेवर ऑफ मिस्टर एक्स, प्लेंटिफ के फेवर में, जिसकी वोटिंग राइट हर्ट हुई थी, जो प्लेंटिव उसको डिक्री होल्डर, डिफेंडेंट को क्या बोलेंगे, जजमेंट डेटर। अब डिक्री आ गई, कोर्ट ने बोल दिया है, अब ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, अब डिग्री के बेस पे द जज विल पास द जजमेंट, रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्ट गिव द डिग्री, अब जज बताएगा कि जो डिग्री मैंने दी है, जो उसके पीछे का पूरा कारण क्या है, क्यों ऐसा सुनवाई करी है, वो है जजमेंट। अब पूरे जजमेंट आ जाएगी, पूरी जजमेंट आएगी, रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द कोर्ट गिव द डिग्री, तो जजमेंट क्या है, रीजन है जिसके बेसिस पे आपने डिक्री दी है, वही लिखा था रीजंस एंड लॉजिक्स, यही बताया था अभी आपने, यही पढ़ा था। और डिक्री गेट्स फाइनल, डिक्री कब फाइनल होती है आपकी, डिक्री कब फाइनल मानी जाएगी, व्हेन द जजमेंट हैज बीन गिवन, व्हेन द जजमेंट हैज बीन गिवन लिख लो, या मैं बोल दूं व्हेन द जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड, मतलब एक तरह से डिक्री आपकी एनफोर्स कब होगी, डिक्री आप फोर्स में कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, जब जजमेंट आ जाए, जजमेंट जब कोर्ट में आपका जज प्रोनाउंस कर दे, जब जजमेंट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब ओरली बोल दे कोर्ट में, कोर्ट में ओरली बोल दे सबके सामने,
ठीक है। अब कभी कभी केस होते हैं ऐसे ऐसे कि जज प्रोनाउंस सेम डेट पे नहीं करता, बोलता है कि भाई आपकी जजमेंट होगी नेक्स्ट हियरिंग में हम प्रोनाउंस करेंगे। तो नेक्स्ट हियरिंग में प्रोनाउंस करोगे, जब तक आप प्रोनाउंस नहीं करोगे तब तक आपकी डिग्री एनफोर्स नहीं होगी, फोर्स में नहीं आएगी एक तरह से, ठीक है। तो डिग्री आपकी फाइनल तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आपकी जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हो सकती। प्रोनाउंस का मतलब क्या है, कोर्ट जो जज है वो कोर्ट रूम में सबके सामने ओरली बोल दे, ओरली अगर बोल देगा इसका मतलब जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस। और जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हो गई उस दिन से ही क्या हो जाएगा, आपकी डिग्री विल गेट फाइनल और वो फोर्स पे आ जाएगी। दैट विल बी एंड डिग्री कैन बी एनफोर्स्ड, ये बोल सकता हूँ, डिग्री कैन बी एनफोर्स्ड, ठीक है। तो जजमेंट का प्रोनाउंस होना भी जरूरी है, जजमेंट का प्रोनाउंस होना जरूरी है। तो ये आपका पॉइंट एक्चुअली थे, आपके डिग्री हो गई आपकी, जजमेंट हो गया आपका, ऑर्डर हो गया आपका, और आपको पता चल गया, एग्जाम्पल समझ आ गया होगा कि भाई अगर मेरा कोई भी लीगल राइट इंफ्रिंज होगा या लीगल राइट हर्ट होगी मेरी, देन आई विल मूव टू द कोर्ट एंड द पर्सन हु विल मूव टू द कोर्ट और फाइल्स द कंप्लेन, या फाइल्स द कंप्लेन नहीं बोलूंगा उसको मैं यहाँ पे वर्ड, फाइल्स द सूट और फाइल्स द प्लेंट इन द कोर्ट नोन एज द प्लेंटिव, नोन एज द प्लेंटिव, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है या सूट फाइल हो रहा है या प्लेंट फाइल हो रही है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। जज दोनों पार्टीज को बुलाएगा कोर्ट में, दोनों की आप साथ हियरिंग होगी, तारीख पे तारीख चलती रहेंगी। उसके बाद जब फाइनली जज क्या करेगा, अपनी डिग्री पास करता है, और जिसके फेवर में डिग्री पास होती है उसको बोला जाता है डिग्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास होती है उसको बोला जाता है जजमेंट डेटर, ठीक है। और डिग्री के ही बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री द जजमेंट विल बी पास, जजमेंट विल बी पास, और ऑन द डे व्हेन द जजमेंट इज प्रोनाउंस, जैसे ही जज जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा अपनी, फ्रॉम दैट डे डिग्री विल बिकम दी फाइनल या डिग्री कैन बी एनफोर्स्ड, ठीक है। उस दिन से डिग्री आप एनफोर्स कर सकते हो, उस दिन से आपका हक है, अब आप जाके मांग सकते हो अपने डिफेंडेंट से कि भाई लाइए मेरे जजमेंट डेटर से कि लाओ भाई, जैसे आपका कोर्ट एग्जाम्पल था कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये लो भाई मेरा गुड्स मुझे दे दो। अब इस केस में अब जो भी, जैसे वोटिंग राइट में क्या हुआ हो कि वोटिंग राइट में ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोर्ट ने बोला हो कि भाई कंपनसेशन दीजिए, आप जो डिफेंडेंट था उसके जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया, जिसने वोट देने नहीं दिया उसके अगेंस्ट कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी हो, डिग्री पास आ गई हो गई, भाई आपके ऊपर 1 लाख का कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, 1 लाख की पेनल्टी लगाते हैं, तो 1 लाख रुपए आपको किसको देना पड़ेगा, 1 लाख आप कब से मांग, तरह से प्लेंटिफ 1 लाख कब से मांग पाएगा, व्हेन द डिग्री विल गेट फाइनल, उस दिन से 1 लाख रुपए आप ले सकते हो, कब, जब जजमेंट आपकी प्रोनाउंस हो जाएगी, व्हेन द जजमेंट इज गिवन, ठीक है। तो अब जो डिग्री होती है ना, डिग्री और ऑर्डर देखो क्या है, अपील अगेंस्ट डिग्री एंड ऑर्डर। अब हुआ क्या भाई, अब डिग्री की अगर बात करी जाए तो हुआ क्या कि कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, ठीक है, कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, अब प्लेंटिफ के फेवर में आ गई, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में आ गई। अब डिफेंडेंट बोलेगा भाई मैं क्या करूंगा, डिफेंडेंट क्या कर सकता है, डिफेंडेंट कैन फाइल एन अपील, डिफेंडेंट कैन फाइल एन अपील। तो डिग्री इज अपेलेबल, डिग्री हमेशा अपीलेबल होती है, डिग्री इज अपीलेबल, डिग्री के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। देखो लिखा है नॉर्मली अलाउड, अपील अगेंस्ट, टॉपिक देखो क्या होगा, अपील अगेंस्ट डिग्री, अपील अगेंस्ट डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, अपील अगेंस्ट डिग्री बात करते हैं पहले हम लोग, और लिखा है यहां पे नॉर्मली अलाउड, बट कुछ एक्सेप्शन इसके हैं जहां पे अलाउड नहीं होती है, जहां पे अपील अलाउड नहीं होती है। तो इन जनरल क्या है, डिग्री के अगेंस्ट अपील अलाउड है, इन जनरल क्या है, अलाउड, बट कुछ आपके एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन पे अभी मैं आता हूं एक बार, ठीक है, अभी आते हैं। अब क्या है, अलाउड है, ओनली टू अपील्स आर अलाउड, ओनली अपील का पूरा टॉपिक आएगा आपका, अभी अपील का पूरा टॉपिक आना है, वो मैं वहां पे और डिटेल में बात करूंगा, अभी आपको खाली नॉर्मली बता रहा हूँ, ब्रीफिंग दे रहा हूँ एक तरह से। डिक्री के अगेंस्ट अपील नॉर्मली अलाउड है, कुछ एक्सेप्शन है, टू अपील्स आर अलाउड, टू अपील्स आर अलाउड होते हैं डिक्री अगेंस्ट, खाली 2 बार आप अपील कर सकते हो, क्या पहली अपील क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, फर्स्ट अपील फाइल होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, और सेकेंड अपील जो आप फाइल करते हो वो आप फाइल कर सकते हो ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओनली ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ, दैट्स इट।
दो अपील फाइल हो सकती हैं इन केस ऑफ डिक्री, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। अब फर्स्ट अपील कहां जाएगी, सेकंड अपील कहां जाएगी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब अपना अपील का टॉपिक पढ़ेंगे। यहां बस आपको मैं ये बताने वाला हूं कि अपील आप कर सकते हो किसके अगेंस्ट या नहीं कर सकते हो, मतलब डिक्री के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील कितनी मिलेंगी आपको डिक्री के अगेंस्ट, दो। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि डिक्री अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है और खाली दो अपील अलाउड होती है, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। फर्स्ट अपील जो हम लोग फाइल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट करते हैं, और सेकंड अपील जो होती है वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या हो रहा है कि लॉ में इंटरप्रिटेशन में कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है, तो आपने अपील फाइल कर दी। या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब फैक्ट्स को सही से देखे नहीं गए, ठीक है, फैक्ट्स कुछ ना कुछ छोड़ दिए गए फैक्ट्स, आपने कुछ और नए फैक्ट्स बता दिए, तो ऐसा भी हो सकता है। और सेकंड अपील ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ फैक्ट्स पे नहीं जाएगा। तो बस दो अपील फाइल होती है डिग्री अगेंस्ट, तो मतलब एक तरह से ये है कि डिग्री के अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूं कि डिग्री अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है, बट कुछ उसका एक्सेप्शन है। सम एक्सेप्शन का मतलब क्या हो रहा है, क्या होगा एक्सेप्शन में, बताया क्या है एक्सेप्शन में, क्या हुआ कि ऐसा एक्सेप्शन होता है, इसको मैं बोलता हूं अगर कोई कंसेंट डिग्री पास हुई, कंसेंट डिग्री अगर कोई पास हुई है देन इन दैट केस अपील फाइल नहीं हो सकती। कंसेंट डिग्री क्या है भाई, कंसेंट डिग्री क्या होती है कि भाई दो पार्टीज थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी आगे पार्टीज हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, एक पार्टी गई दूसरी पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दी, झगड़ा हुआ या मतलब वही हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक ने दिया नहीं सामान, एक ने पैसा दे दिया दूसरे को सामान नहीं मिला, तो क्या हुआ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, चले गए कोर्ट, अब कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में हियरिंग चल रही है, बट क्या हुआ कोर्ट के बाहर आपस में ही दोनों के बीच में समझौता हो गया, आपस में दोनों के बीच में क्या हो गया समझौता, मतलब सेटलमेंट हो गई, कोर्ट के बाहर क्या हो गई सेटलमेंट। वो दोनों जाते हैं कोर्ट में, जज को बोलते हैं कि सर हमारी बीच में सेटलमेंट हो गई है, आप डिग्री सुना दो इनके फेवर में, एक दोनों पार्टी में जो सेटलमेंट होती है वो बोल देगा कि सर आप इसके फेवर में सेटलमेंट डिग्री अपनी दे दो। तो कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा ठीक है मैं क्या करता हूं कि आप दोनों के बीच में समझौता हो गया सेटलमेंट हो गया, तो मैं आप जैसा बोलोगे वैसे डिग्री पास करते हैं, जैसा कोर्ट को बोलेंगे वो वैसा कोर्ट डिग्री पास करते हैं। ये क्या हो रही, कंसेंट डिग्री हो रही, कंसेंट डिग्री, कंसेंट किसकी, किसकी मर्जी किससे हो रही है, पार्टीज की कंसेंट पे डिग्री पास हो रही है। कोर्ट ने अपना दिमाग नहीं लगाया, देखो यहाँ पे कोर्ट ने अपना दिमाग नहीं लगाया है, बात मैंने करी थी कि आपकी डिग्री क्या होती है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है, एडजुडिकेशन का मतलब होता है कोर्ट का एविडेंस देखेगा, कोर्ट विटनेस देखेगा और विजडम ऑफ जज, दिमाग जज का, जज ने वहां कहां लगाया अपना, क्योंकि जज तो क्या बोल रहा है, जज को तो दोनों पार्टी से बोला सर हम लोग सेटलमेंट हो गया आप बस सुनवा दो, बस ये ऐसा कर दो, ऐसी डिग्री आप दे दो आप, तो जज ने अपना दिमाग तो लगाया नहीं, जज ने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं ना, कहीं सीधा बाहर से उनको सेटलमेंट करके आए, जज ने वैसा बोल दिया जैसा वो चाहते थे, क्लियर है। तो ये क्या होती है, कंसेंट डिग्री है, जब ये ऐसे, क्योंकि कोर्ट बोलेगा इसके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते, अब इसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं होगी अगर ये जो डिग्री दे दी, क्योंकि भाई कोर्ट बोलेगा आप ही के बीच में बात हुई थी, आप ही लोग आए थे मेरे पास, आप ही लोग ने बोला कि भाई हम लोग सेटलमेंट हो गया, तो अब इसके अगेंस्ट अपील फाइल अब आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिग्री दी गई है वो आपके सेटलमेंट के बेसिस पे दी गई, जो आप लोगों ने बोला था उसी के बेसिस पे दी गई, तो इसके अगेंस्ट आप सूट फाइल वो मतलब अपील फाइल नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो नॉर्मली अपील अगेंस्ट द डिग्रीज आर अलाउड, फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील, फर्स्ट अपील ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड सेकंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। अब दूसरा आता केस आता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, अपील अगेंस्ट ऑर्डर नॉर्मली नॉट अलाउड। लो भाई ऑर्डर जो देता है कोर्ट उसके अगेंस्ट अपील अलाउ नहीं होती, तो नॉर्मली तो नॉट अलाउड है, बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन सेक्शन 104 में दिए हुए हैं, फाइव अपील, मतलब पांच ऑर्डर ऐसे होते हैं कोर्ट के जिसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है। तो पेरेंट जर्नल, नो अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर्स, बट एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 104 के अंदर, पांच ऑर्डर ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो, और जो वो ऑर्डर्स हैं ओनली वन अपील कैन बी मेड, और उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट, ये जो ऑर्डर्स दिए हैं इसके अगेंस्ट कितनी अपील हो सकती है, ओनली वन अपील इज अलाउड, ओनली वन अपील कैन बी, यहाँ पे दो अपील अलाउड नहीं है। पहली बात, इन जनरल तो अलाउड ही नहीं ऑर्डर के अगेंस्ट, मगर कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट अपील हो सकती है, उसके अगेंस्ट अपील तो होगी मगर एक ही बार आप अपील कर सकते हो, दो बार तो अपील अलाउड है भी नहीं, क्लियर है। तो ये है अपील अगेंस्ट, अपील का टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आएगा तो। अच्छा जी चलो, ये भी आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है आपका,
ये भी एग्जाम्पल है, देखो नॉर्मल से एग्जाम्पल एक तरह से, क्या हुआ मिस्टर ए है बायर है, मिस्टर बी क्या है सेलर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है मिस्टर बायर प्लेंटिफ और मिस्टर सेलर है आपका, ठीक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, या तो मूवेबल कोई भी ले लो, और लिखा हुआ है मूवेबल ले लो चाहे इमूवेबल ले लो, दोनों में से कोई भी आपको जो लेनी है प्रॉपर्टी, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ठीक है। हुआ क्या, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है नंबर वन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर बी ने कमिट कर दिया ब्रीच, एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं शुरू में, फिर से एक बार देख लो यहां सामने लिखा हुआ कमिट्स द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, आपको पता है, आपको पता है कि मिस्टर जो बायर है वो क्या करेगा, मिस्टर ए क्या करेगा, विल फाइल अ सूट, देखो मिस्टर ए फाइल्स अ प्लेंट, अ प्लेंट वर्ड मेरे हिसाब से आप फेमिलियर हो कि प्लेंट क्या होता है, मिस्टर ए फाइल्स द प्लेंट अगेंस्ट बी इन सिविल कोर्ट आस्किंग और प्रेइंग फॉर द रेमेडी, ठीक है, कोर्ट जाएगा सर मुझे इंसाफ, माई लॉर्ड मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है, व्हेन सिविल कोर्ट एडमिट्स और एक्सेप्ट्स द प्लेंट अगेंस्ट बी देन इट इज रजिस्टर्ड एज अ सूट, इट इज रजिस्टर्ड एज अ, उसको बोल देंगे सूट, तो सूट बोल लो आप प्लेंट बोल लो एक ही वन द सेम थिंग, एक ही चीज होती है, ठीक है, सूट बोल लो या प्लेंट बोल लो उसको आप एक ही चीज, तो जैसे उसको एक्सेप्ट करेगा बोल देंगे भाई दिस सूट हैज बीन रजिस्टर्ड, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पार्टी देखो क्या हुआ, द वन हू फाइल्स द सूट, बायर ने सूट फाइल करा, ए फाइल्स द, लिखा ना ए फाइल्स द प्लेंट, तो मतलब ए कौन है प्लेंटिफ, द वन हू फाइल्स द सूट इज नोन एज प्लेंटिफ, और द वन हू फाइल्स द सूट जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ उसको क्या बोल रहे हैं डिफेंडेंट, मेन वर्ड मेन मतलब यही था आपको बताने का यहाँ पे। अच्छा अब एक देखो और एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप देखो वर्ड्स चेंज है कुछ, अब देखो वर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है पेटिशनर और यहाँ लिखा है रिस्पॉन्डेंट, अभी तक आपने बोला सोचा होगा सर ये तो नहीं पढ़ा मैंने पेटिशनर वर्ड क्या, हाँ अलग है थोड़ा, क्या है देखो इजी है कुछ भी नहीं है, हुआ क्या है होता क्या है कि यहां पे देखो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल ऑफ पेटिशन, जब आप पेटिशन फाइल करते हो ना, जब आप पेटिशन फाइल करते हो, पेटिशन फाइल करते हो, इस केस में द वन हु फाइल्स द पेटिशन इज नोन एज द पेटिशनर एंड जिसके अगेंस्ट सूट पेटिशन फाइल होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या रिस्पॉन्डेंट। अब पेटिशन फाइल कब होती है, पेटिशन फाइल कब होती है, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब ये कोर्ट सिस्टम आपको बता रहा था तो वहां पे मैंने बोला था आपके अगर कोई फंडामेंटल राइट हर्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट हर्ट होते हैं तो वहां पे आप रिट पेटिशन फाइल करते हो, रिट पेटिशन मेरा वर्ड था रिट पेटिशन, ठीक है, जब आपके कोई भी फंडामेंटल राइट हर्ट होते हैं देन इन दैट केस आप क्या करते हो एक रिट पेटिशन फाइल करते हो, और रिट पेटिशन जो होती है ये ऐसा नहीं हमेशा किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगी, ऐसा नहीं होता, ये अगेंस्ट द आपका अगेंस्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी या तो आप कोई स्टेट ले लो, स्टेट हो गया या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी बोल देंगे जिसको हम, स्टेट का मतलब एक तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है, पिटीशन फाइल करते हो। तो होता क्या है रिट पिटीशन टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के पास आप डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल करते हो, पता है आपको रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली, रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल नंबर 226, रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट 226 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर किसके आगे किसके पास जाती है, किसके पास जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, तो रिट पिटीशन फाइल हो रही है, और रिट पिटीशन क्या सी फाइल हो रही है, आई ए फाइल्स अ रिट पिटीशन ऑफ मैंडमस, मैंडमस की रिट पिटीशन है, मैंडमस रिट पिटीशन, रिट पिटीशन फॉर मैंडमस। अब ये अलग अलग जो आपकी है ना ये रिट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को ये पढ़ना है, तो जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना हम लोग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा हम लोग को ये सब आएगी रिट्स के बारे में, वहां बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिट पिटीशन कब फाइल होती है, रिट पिटीशन तब फाइल होती है जब आपका आप फंडामेंटल राइट हर्ट होता है, रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड, रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन और अगेंस्ट अ स्टेट और दी गवर्नमेंट अथॉरिटी, आप किसी की अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हो एक रिट पिटीशन, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो।
अब यहां पे कौन सी रिपीटेशन फाइल हो रही है? एग्जाम्पल में फाइल हो रही है ए फाइल रिपीटेशन ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ मैंडेमस, कमांड दे रहे हो आप, कमांड, कमांड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। आप फाइल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो आपको पता है? आपने पिटीशन फाइल करी है कोर्ट में, आपने पिटीशन फाइल करी है कोर्ट में स्टेट के अगेंस्ट। ये देखो लिखा है स्टेट के अगेंस्ट। आप बोलते हो, आप बोलते हो कोर्ट में कि सर, सर या लॉ, माय लॉर्ड बोलेंगे कोर्ट में, सर नहीं बोला जाता, ठीक है? आप बोलते हो माय लॉर्ड काइंडली, काइंडली गिव द डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी। स्टेट जो है ये कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टेट क्या है? ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है कोई। काइंडली गिव द डायरेक्शन, ठीक है, काइंडली गिव द डायरेक्शन टू द पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। क्या हो रहा है? आप गए होगे गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, ठीक है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे अब आप? अब गवर्नमेंट अथॉरिटी पे आप गए और गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर दिया, आप क्या करोगे? आपने क्या, आपकी फंडामेंटल राइट भी है कि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी में जा सकते हो, अपने काम करवा सकते हो, ठीक है? तो आपने क्या करा, आपने क्या करा, आपने पिटीशन फाइल करी, रिट पिटीशन फाइल करी, कहां पे? कोर्ट के पास। और आपने क्या बोला है? रिट पिटीशन ऑफ कौन सी फाइल करी? रिट पिटीशन ऑफ मैंडमस। पांच तरह की रिट पिटीशन होती है, उसमें से एक मैंडमस भी होती है। रिट पिटीशन ऑफ मैंडमस, मैंडमस में, मैंडमस का मतलब क्या होता है? कमांड टू परफॉर्म के कोर्ट, आप बोल रहे हो जज को कि सर काइंडली कमांड, काइंडली कमांड टू दी गवर्नमेंट अथॉरिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी, की सर उनको कमांड दीजिए, उनको ऑर्डर दीजिए, उनको जजमेंट दीजिए, डिसीजन दीजिए अपना कि अपनी वो ड्यूटीज को परफॉर्म करे। ये है, दिस इज द मैंडमस, ठीक है? तो आप, आपका फंडामेंटल राइट था, हर्ट हुआ, आपका फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ है, ठीक है? गवर्नमेंट ने, आप गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपका काम करने से मना कर दिया जो उनको करना चाहिए था, ठीक है? या उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए थी, आरटीआई के अंदर ऐसा भी हो सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। आप गए गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने मना कर दिया, आप क्या करोगे? बोलोगे ठीक है मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ है, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, में कहीं भी जा सकता हूं, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के अंदर मैं दोनों में कहीं भी जा सकता हूं। आप चले जाते हो, रिट पिटीशन फाइल कर देते हो, ठीक है? और द पर्सन हु फाइल द रिट पिटीशन इज नोन एज द पिटीशनर, और द पर्सन जिसके अगेंस्ट होती है उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। तो दो पार्टी है, रिस्पोंडेंट है और एक आपका है पिटीशनर। और रिट पिटीशन आपने कौन सी फाइल करी है? रिट पिटीशन ऑफ मैंडमस, कंप्लायंट टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। तो जज अब क्या करेगा? अपना डिग्री सुनाएगा। देखो लिखा है पिटीशन नीड नॉट ऑलवेज बी अगेंस्ट अस। देखो पिटीशन, पिटीशन वर्ड अलग है, प्लेंट वर्ड अलग है। पिटीशन नीड नॉट ऑलवेज बी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है? रेदर इट कैन बी अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द सम गवर्नमेंट अथॉरिटी, और गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखो गवर्नमेंट, तो कितने लोग हो सकते हैं? देखो आपके किसके किसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल हो सकती है, आपको दिख रहा है? ये देखो स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, एक स्टेट और अगेंस्ट सम गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिसर, देख लो सब आपके सामने है, ठीक है? तो कोई भी हो सकता है, किसी के अगेंस्ट भी आप पिटीशन फाइल, किसी के अगेंस्ट भी आप पिटीशन फाइल करोगे, ठीक है? किसी के अगेंस्ट भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, ठीक है? तो जब आप पिटीशन फाइल करते हो तो आप बोलते हो पिटीशनर, तब इस केस में आप प्लेंट वाला काम नहीं आएगा, ठीक है? तब इस केस में प्लेंट वाला काम नहीं आएगा, प्लेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? पिटीशन से, ठीक है? प्लेंटिफ को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? पेटिशनर से। डिफेंडेंट को किससे कर दिया? रिस्पोंडेंट से। पार्टीज को चेंज हो गई, नाम सबके चेंज हो गए, ठीक है? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? एग्जांपल्स ऑफ पेटिशन, एक और एग्जांपल है, देख लो। पेटिशनर ने क्या करा? रिस्पोंडेंट स्टेट के अगेंस्ट क्या करा है? एक क्वेश्चन पिटीशन डाली है स्टेट, ये अब ये भी स्टेट है, इसको मैं बोल देता हूं ये क्वेश्चन पिटीशन है, क्वेश्चन पिटीशन, ठीक है? क्या कर रहा है यहाँ पे? ए फाइल्स द पिटीशन इन कोर्ट टू क्वैश एफआईआर। ओहो, एफआईआर तो स्टेट के अगेंस्ट, मतलब ले लो मैं पुलिस ऑफिसर, ले लो पुलिस अथॉरिटी ले लेता हूं मैं, ये पुलिस अथॉरिटी है, ठीक है? पुलिस अथॉरिटी आपकी है। क्या हो रहा है? आप जाते हो कोर्ट में और आप बोलते हो कोर्ट को, क्या बोल रहे हो? कोर्ट को आप पिटीशन फाइल हो, क्वैश करिए पिटीशन, क्वैशिंग पिटीशन, ठीक है? आप क्वैशिंग के लिए रह रहे हो, क्या क्वैश कराना चाह रहे हो? एफआईआर। A files a petition in court to quash क्या? To quash
एफआईआर, आप बोलते हो कोर्ट में कि सर मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, आप बोलते हो कोर्ट में कि सर मेरे खिलाफ ना झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो काइंडली क्वैश दी एफआईआर, काइंडली क्वैश दी एफआईआर, तो क्वैशिंग पिटीशन आप फाइल कर रहे हो, ठीक है, किसके अगेंस्ट कर रहे हो, स्टेट वही पुलिस अथॉरिटी के अगेंस्ट आप कर रहे हो, तो आप कौन हो गए, पिटिशनर, जिसके अगेंस्ट कर रहे हो रिस्पॉन्डेंट है, समझ आता है, तो क्वेश्चन पिटीशन जो होती है वो भी क्या है आपकी, इसी का एग्जांपल आ जाएगा, इसी के अंदर एग्जांपल पिटीशन का ही है, फाइल्स अ पिटीशन इन कोर्ट टू क्वेश एफआईआर, पिटीशन नीड नॉट बी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन, सेम लाइन, इट कैन बी अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट और आपका गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगेंस्ट आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, क्लियर है। अब मेरे हिसाब से आपको ये वर्ड, ये सब चीजें समझ आ जाए आ रही होंगी कि कैसे केस फाइल हो रहे हैं, किस तरीके से चल रहा है सब कुछ, ये क्या है भाई, चलो अच्छा यहां पे एक चीज देखो लिखी है, क्या लिखा है, होता क्या है ये, अच्छा पूरा प्रोसीजर है, प्रोसीजर है पूरा, क्या लिखा है देखो, मिस्टर ए, यहां से शुरू हो रहा है, मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन है, प्लेंटिफ, मिस्टर ए इज अ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेन फाइल करता है, इनिशियल प्लेन फाइल करता है, किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, मिस्टर ए ने क्या करा, फाइल करी प्लेंट डिफेंडेंट के अगेंस्ट, अब कोर्ट का आता है जजमेंट, कोर्ट की आती है डिग्री, कोर्ट ने पास की, कोर्ट पास से डिग्री में बोलता हूं, इनिशियल प्लेंट फाइल करी, कोर्ट ने सब मैटर हियर किया, सब कुछ सुना, ठीक है, सुनवाई करने के बाद सबने, कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने पास करी है डिग्री, कोर्ट ने डिग्री पास करी, और डिग्री आ गई किसके फेवर में, इधर एक ये देखो डिग्री, देखो डिग्री आई किसके फेवर में, इनके फेवर में आ गई, अब इसके फेवर में आ गई तो मिस्टर ए क्या हो गया, जीत गया केस, इसको बोलते हैं डिग्री होल्डर, और इसके अगेंस्ट आई है, इसके अगेंस्ट आई है, तो ये कौन है भाई, ये लूजर होगा, ये कौन है, जजमेंट डेटर, अब ये हार गए, ये केस हार गया, डिफेंडेंट केस हार गया, डिफेंडेंट केस हार गया, डिग्री किसके अगेंस्ट आ गए, डिफेंडेंट के, अब जज ये डिफेंडेंट आपका क्या कर सकता, डिग्री आई है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिग्री आई है, वेदर अपील अगेंस्ट डिग्री इज अलाउड है, यस, तो बी क्या करेगा, अब फाइल करेगा क्या, अपील करेगा, बी फाइल द अपील टू द सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट में बी करेगा फाइल अपील, अपील फाइल करेगा किसके अगेंस्ट, किसको करेगा, सुपीरियर कोर्ट में, स्टेप थ्री क्या है, व्हेन बी फाइल्स अपील, व्हेन बी फाइल्स अपील टू द सुपीरियर कोर्ट, तो जो बी है ये क्या बोला जाएगा, अपीलेंट, इसको बोलते हैं अपीलेंट, मैं आपको टर्म दिखा रहा हूं सब क्या हो रहा है, कि द वन हु फाइल्स द अपील इज नोन एज अपीलेंट, और किसके अगेंस्ट फाइल कर रहा है, किसके अगेंस्ट फाइल कर रहा है, मिस्टर ए के अगेंस्ट अपील फाइल कर रहा है, तो मिस्टर ए क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्डेंट, मिस्टर ए को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्डेंट, अब आप देखो प्लेंटिफ कन्वर्ट हो गया रिस्पॉन्डेंट में, और डिफेंडेंट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अपीलेंट, दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है, पार्टी का देखो नाम चेंज हो रहा बस, ठीक है, प्लेंटिफ जिसने जीता और जो हारा उसको डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट जो सूट जो हारेगा केस वही तो अपील फाइल करेगा ना, जैसे ही वो अपील फाइल करेगा उसको क्या बोलोगे आप, उस पार्टी को आप बोलते हो अपीलेंट, ठीक है, अपीलेंट जो अपील कर रहा, और जिसके अगेंस्ट अपील किसके अगेंस्ट जाएगी, सेकंड पार्टी के अगेंस्ट जाएगी, जो मिस्टर ए जो जीता था उसको क्या बोलोगे आप, रिस्पॉन्डेंट, तो मैं आपको टर्म्स के लिए बनाया खाली है, इस स्लाइड में टर्म्स के लिए बताया कि टर्म्स क्या क्या होते हैं, द वन हु फाइल्स द सूट प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट फाइल किया डिफेंडेंट, द वन हु फाइल्स द अपील अपीलेंट, एंड द अगेंस्ट हुम द अपील हैज बीन फाइल्ड उसको बोलते हैं रिस्पॉन्डेंट, क्लियर है, ये टर्म्स याद आपको करने हैं, चलो भाई, सीपीसी को लाने का मकसद क्या था, सीपीसी का एम क्या है, स्कोप क्या है, अब आपका देखो सीपीसी का चैप्टर आ गया आपके सामने, कि सीपीसी को लाने के पीछे मकसद क्या था भाई, क्या मकसद था सीपीसी को लाने के पीछे, क्या मकसद है भाई सीपीसी को लाने के पीछे, एम क्या है, इट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स ऑल प्रोसीजर्स, इट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स ऑल द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द सिविल कोर्ट इन सिविल लिटिगेशन, इट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स, कॉन्सोलिडेट का एम था इकट्ठा कर देना, चेंज करना, ऑल द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द सिविल कोर्ट इन सिविल लिटिगेशन, क्या मतलब हो रहा है इसका, इसका मतलब क्या हो रहा भाई, अब आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपको बताऊं तो 1859 के पहले
देयर वॉज नो यूनिफॉर्म कोड कोडिफाइड लॉ, इसके पहले कोई लॉ था ही नहीं। ठीक है, अगर बोलू बिफोर, अब थोड़ा डिटेल है मगर समझ आना आ जाएगा आपको। बिफोर 1859 नो कुछ नहीं था, क्या नहीं था, नो यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ। क्या मतलब होता है इसका, नो यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि कोई कुछ प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। सिविल केसेस हो रहे हैं, कोई कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, कोई कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, जिसका मन कर रहा है जैसे प्रोसीजर फॉलो हो जा रहे हैं। कोई कोडिफाइड लॉ था ही नहीं, अलग अलग प्रोसीजर फॉलो जा रहे हैं। ठीक है, किसी मैटर को डील करने के लिए कोई प्रोसीजर, किसी मैटर को डील करने के लिए कोई प्रोसीजर, तो इसके पहले कोई था ही नहीं। तो पहली बार सीपीसी जो आपका आया था वो आया था 1859 में, पहली बार आपका सीपीसी आया था 1859 में, फर्स्ट टाइम आया था। क्या आया था, सीपीसी आया था, फर्स्ट टाइम सीपीसी इंट्रोड्यूस्ड। क्या आया था, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ये वर्ड आया कोड। अब ये वर्ड कोड का मतलब क्या होता है, कोड क्यों यूज करते हैं, आपको पता है कोड क्यों यूज कराया जाता है, वर्ड कोड वर्ड इसलिए यूज करा जाता है कि जो अलग अलग आपके जो प्रोसीजर से अलग अलग लॉज जो चल रहे थे उन सबको इकट्ठा करा जा रहा है। ठीक है, इसको बोला जाता है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स बोला जाता है, या बॉडीज ऑफ लॉज को अरेंज करना, बॉडी ऑफ लॉ को अरेंज करना। ठीक है, अलग अलग कानून बने हुए हैं, अलग अलग लॉज बने हैं सेम मैटर के लिए। ठीक है, तो कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन होना शुरू हो जाता है, तो क्या करना जा रहा है, सबको कोडिफाई कर रहे हैं, सबको कंसोलिडेट कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करके एक लॉ बनाया जा रहा है। ऑलरेडी से लॉज बने हुए थे, ऑलरेडी से अलग अलग एक्ट्स बने हुए थे, अब क्या करा जा रहा है, उन सबको मर्ज करा जा रहा है, उन सबको इकट्ठा करा जा रहा है, उसमें सबको मॉडिफाई करते हैं, उन सबको अमेंड करते हैं और सबको इकट्ठा कर देते हैं, एक कंसोलिडेशन हो जाती है, उसको बोला जाता है कोड, तभी कोड बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो उसको एक्ट बोलना हो तो एक पर्टिकुलर एक्ट तो बना ही होगा। जो क्या हुआ, तीन चार एक्ट है, सब उसी मैटर से रिलेटेड डील कर रहे हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या करा भाई, सबको इकट्ठे कर दो, सबको मर्ज कर दो, सबको कंसोलिडेट कर दो, और जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं अमेंड कर दो, मॉडिफाई करना है कर दो, और एक बना दो चीज, तो एक यूनिफॉर्म कोड बन गया। ठीक है, तो तभी मैं बोल रहा था कि बिफोर 1859 यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ नहीं था कोई सिविल मैटर्स को डील करने के लिए, बट 1859 में फर्स्ट टाइम सीपीसी वॉज इंट्रोड्यूस, सिविल प्रोसीजर एक्ट नहीं बोल रहा मैं, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड वॉज इंट्रोड्यूस, सिविल प्रोसीजर कोड वॉज इंट्रोड्यूस। तो एम क्या था सीपीसी का, एम क्या था, एम इट कॉन्सोलिडेट्स एंड अमेंड्स, देखो लिखा है ना, एम क्या था, इट कॉन्सोलिडेट्स एंड अमेंड्स, इट कॉन्सोलिडेट्स एंड अमेंड्स, कॉन्सोलिडेट्स एंड अमेंड्स ऑल द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय, देखो टू बी फॉलोड बाय, टू बी फॉलो, जो फॉलो करने हैं बाय द सिविल कोर्ट इन सिविल लिटिगेशन। कंसोलिडेट किया, उसको अमेंड किया, क्या, ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द प्रोसीजर्स, जो अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करे जा रहे थे उसको इकट्ठा करना, ये इसका मकसद था सीपीसी को लाने का। तो 1859 में पहली बार सीपीसी आया था। ठीक है, एपीसी, और फिर टाइम टू टाइम अमेंड भी हुआ, अमेंडेड टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम अमेंड हुआ। अगर मैं बताऊं 1859 के बाद ये अमेंडमेंट शुरू हुई, फिर ये 1877 में आया, फिर से 1877 बना। ठीक है, इसको बोला गया, ये पहला बार आया सीपीसी, इसको पहली बार जो आया इसको बोला सीपीसी 1859, दूसरी बार जब सीपीसी आया 1877 अमेंडमेंट के साथ, इसको बोल दिया भाई सीपीसी 1877। इसके बाद फिर से अमेंडमेंट इसकी हुई थी, फिर से इसके बाद इसकी अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट चलती जा रही है, अमेंडमेंट चलती जा रही है। ठीक है, अमेंडमेंट चली, फिर से इसकी अमेंडमेंट हुई, फिर एक आया आपका 1882 में आया, 1882 में आया तीसरी बार। देखो 1859 के बाद अमेंड हुआ, फिर बन गया सीपीसी 1877, अब फिर बन गया सीपीसी 1882, फिर अमेंडमेंट आई एंड फाइनली द कोड वॉज पास्ड, और इसके बाद फिर से अमेंडमेंट आई और फाइनली द कोड वॉज पास्ड, इसको बोला गया सीपीसी 1908, जो अभी आपका चल रहा है। 1859 में आया, ठीक है, अमेंडमेंट होती गई, उसको रिप्लेस किसने कर दिया, 1859 में आया, उसको रिप्लेस किसने किया, सीपीसी 1877 में।
ठीक है, फिर से एमिनेंट हुई, उसको रिप्लेस किसने किया, सीपीसी 1882 में, और फिर से उसमें अमेंडमेंट्स हुई, अमेंडमेंट्स चेंज तो होते रहेंगे, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुई और फिर उसको रिप्लेस किसने करा, सीपीसी 1908 ने, और अभी तक सीपीसी 1908 ही चल रहा है, उसके बाद कोई अमेंडमेंट्स आ रही है मगर अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, अमेंडमेंट छोटी मोटी आती रहती है मगर कोई अभी तक इसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइनली इसके बाद ये प्रेजेंट कोड पास हुआ सीपीसी 1908, तो अभी तक 1908 चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए आया कब से, तो बिफोर 1859 कुछ भी नहीं था, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ बनाया गया है 1859 में, फिर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुई, रिप्लेसमेंट हुई, अमेंडमेंट हुई, रिप्लेसमेंट हुई, और फाइनली सीपीसी 1908 ने 1882 एक्ट को रिप्लेस किया, और अभी तक टिल डेट ये चल रहा, तभी इसको वर्ड बोला जाता है कोड, तभी बोलते हैं कोड, ठीक है, कोड तभी इसको बोला जाता। स्कोप क्या है भाई, दिस कोड डज नॉट अफेक्ट और सुपरसीड एनी स्पेशल, सुपरसीड होगा इसको वर्ड, सुपरसीड होगा, सुपरसीड, दिस कोड डज नॉट अफेक्ट और सुपरसीड एनी स्पेशल लॉ, ठीक है। ये तो आपको अभी मैंने पहले पहले बताया था शुरू शुरू में, सब्सटेंटिव लॉ स्पेशल लॉ उसको बोला था मैंने, दिस कोड तो सीपीसी क्या था, प्रोसीजर लॉ था, और सब्सटेंटिव लॉ वही स्पेशल लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लो आप, कोई भी लॉ ले लो, और तो क्या लिखा है, दिस कोड मतलब प्रोसीजर लॉ डज नॉट अफेक्ट और सुपरसीड एनी स्पेशल सब्सटेंटिव लॉ, वही चीज है, वही सेम चीज है, दिस कोड मतलब दिस कोड डज नॉट अफेक्ट और सुपरसीड एनी स्पेशल लॉ, तो मतलब दिस कोड का मतलब कौन सा, दिस कोड ही क्या है, दिस कोड इज अ प्रोसीजरल लॉ, ये तो प्रोसीजरल है ना, और ये स्पेशल लॉ का मतलब क्या है, सब्सटेंटिव, तो वही वर्ड तो आगे, वही चीज तो आगे लिंक करी ना, कि सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेल करेगा प्रोसीजर, बट प्रोसीजर विल नॉट, देखो विल नॉट अफेक्ट और सुपरसीड, सुपरसीड भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, सब्सटेंटिव प्रिवेल करता ऊपर, सब्सटेंटिव प्रिवेल करता, ठीक है, प्रोसीजर प्रिवेल नहीं कर सकता, प्रोसीजर उसके सुपरसीड भी नहीं करेगा, उसको इफेक्ट भी नहीं करेगा। इफ फॉर एनी मैटर स्पेशल लॉ इज साइलेंट, अगर स्पेशल लॉ साइलेंट है, आपका सब्सटेंटिव लॉ आपका साइलेंट है, कोड विल बी फॉलोड, तब कोड हम फॉलो करते हैं, जब आपके सब्सटेंटिव लॉ के अंदर स्पेशल लॉ में कुछ नहीं लिखा, ठीक है, कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्रंटेशन या कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द कोड और स्पेशल लॉ, आपको समझ आ जाएगा यहीं से क्या आंसर होगा इसका, स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। अगर कोई मैटर के लिए प्रोसीजर दिया हुआ है पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिए थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी ले लो आप, एक्ट सब्सटेंटिव लॉ कोई भी ले लो, उसके अंदर कोई प्रोसीजर मेंशन है कि अगर ब्रीच होता है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करता, तो क्या आप फॉलो करोगे सीपीसी का प्रोसीजर, नो, ऑब्वियस सी बात है नो, नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है दोनों के प्रोसीजर में, तो आपका कौन सा प्रोसीजर विल प्रिवेल, स्पेशल लॉ विल प्रिवेल, क्लियर है। अब हम लोग भाई आते हैं बुक पे, अब थोड़ा हम लोग आते हैं अपनी बुक पे, अब अपने आप बुक्स के जो आपको पेजेस उसके ऑन कर लो, वो खोल लो, अब हम लोगों को देखना थोड़ा बुक, अब अपनी टेक्स्ट बुक पे आते हैं। 15-16 स्लाइड्स आपकी हो गई ऐसे ही, मेरे हिसाब से आपको चैप्टर की एक इमेज तो क्लियर हो गई होगी कि चैप्टर बोल क्या रहा है। ये कोड सिस्टम ऑफ इंडिया आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने डाल दिया था कुछ, आपने पढ़ भी लिया होगा, चलो भाई देखते हैं भाई हमारा बुक में क्या लिखा हुआ। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको बताऊं तो अभी आपके जितने आगे टॉपिक्स आएंगे ना, 2-3 पेज तो आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे, 2-3 पेज तो आपके ऐसे ही कवर हो जाने हैं, क्योंकि 2-3 पेज में वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको अभी तक बोल दिया, अभी तक पढ़ा दिया, वही सब लिखा हुआ है उसके अंदर, अभी वही सब चीजें आपको मिलेंगी अभी, तो देखते हैं क्या लिखा, शुरू करते हैं। सिविल प्रोसीजर मीन्स, सिविल प्रोसीजर मीन्स बॉडी ऑफ लॉ, सिविल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ लॉ कंसर्न विद द मेथड्स प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, लो भी लिखा हुआ बॉडी ऑफ लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड क्या है, बॉडी ऑफ लॉ है, हाँ जी सर बॉडी ऑफ लॉ है, क्या है, बॉडी ऑफ लॉ,
कंसर्न विद द मेथड्स अलग अलग इसमें है, प्रोसीजर्स है और प्रैक्टिसेस यूज्ड इन सिविल लिटिगेशन इन द सिविल कोर्ट्स। इतना नॉर्मल सी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड का मतलब क्या है? एक बॉडी ऑफ लॉ है। सिविल प्रोसीजर कोड क्या है? बॉडी ऑफ लॉ है। किससे रिलेटेड है? कंसर्न विद द मेथड्स, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस। कहां यूज होती है? सिविल लिटिगेशन में। सिविल लिटिगेशन कहां पे होती है? सिविल कोर्ट में। क्लियर है? ऑल ओवर वर्ल्ड लॉज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक होता है आपका सब्सटेंटिव, एक होता है प्रोसीजर। आई होप क्लियर होगा। सब्सटेंटिव ये एग्जांपल आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सब्सटेंटिव और प्रोसीजर क्या है। अब देखिए आप, सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। प्रोसीजर क्या होता है? प्रिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस, प्रोसीजर्स एंड मशीनरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स एंड लायबिलिटीज। प्रोसीजर लॉ इज दस एन एडजंक्ट और एनसेसरी। एडजंक्ट और एनसेसरी का मतलब क्या होगा? प्रोसीजर का मतलब क्या है? प्रोसीजर लॉ इज द सबऑर्डिनेट। यही वर्ड मैंने बोला था आपको, प्रोसीजर इज द सबऑर्डिनेट। प्रोसीजर इज द सबऑर्डिनेट किसके? प्रोसीजर इज सबऑर्डिनेट टू द सब्सटेंटिव, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है? सबऑर्डिनेट होता है। व्हाट डू मीन बाय वर्ड गेलो भाई? कोड वर्ड आ गया आपका, कि कोड को क्या, कोड का मतलब क्या है? जो भी मैंने आपको बताया था अभी 1859, 1877 सब बताया था अभी आपको। देखो कोड का मतलब क्या है, वो लिखा हुआ है। द वर्ड कोड मींस अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट। देखो सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट है। कोड का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट है। किसका कोड क्या है? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट। ये स्टैट्यूट्स अलग अलग कानून बने हुए हैं पहले से ही, ठीक है। मगर कुछ कानून आपस में भाई कॉन्ट्रडिक्ट कर, एक मैटर है उसके लिए चार कानून बना दिए आपने, एक मैटर है ठीक है और उसके लिए तीन चार कानून बना दिए। कोई कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, कोई कोई कर रहा है, तो आपने क्या करा? सबको कंसोलिडेट कर दिया। कानून पहले से बने हुए हैं, उनको क्या किया आपने? खाली कंसोलिडेट किया है, कुछ चेंजेस करके करा होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स, बॉडीज ऑफ बॉडी ऑफ लॉज सो अरेंज। देखो बॉडी ऑफ लॉ को आपने क्या करा? अरेंजमेंट करिए। बॉडी ऑफ लॉ सो अरेंज सो एज टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग। यही तो, इनकंसिस्टेंसी ना हो, कोई ओवरलैपिंग ना हो, तो एक काम करते हैं सबको मर्ज कर देते हैं, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म लॉ बनाते हैं। यूनिफॉर्म लॉ जिसको सब फॉलो करेंगे, ठीक है, उसी को आप बोलते हो कोड। जब भी कोड रहे, जब भी वर्ड आपका यूज होता है कोड, कोड। द सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, देखो क्या लिखा है, कॉन्सोलिडेट्स एंड अमेंड्स, कॉन्सोलिडेट्स एंड अमेंड्स द लॉ। कौन सा लॉ? कॉन्सोलिडेट्स एंड अमेंड्स द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द कोड्स ऑफ द सिविल। तो अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स जो दिए गए थे सिविल लिटिगेशन के, तो सब प्रोसीजर्स को क्या कर दिया उन्होंने? कॉन्सोलिडेट कर लिया और एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर बनाया, यूनिफॉर्म लॉ बनाया। उसमें एक ही प्रोसीजर बनाया कि भैया कोई भी अगर सिविल लिटिगेशन होगी तो यही प्रोसीजर फॉलो सबको करना, ठीक है। द लॉ रेगुलेटिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द सिविल कोड इज गवर्न बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। सब चीज आपको मैंने पढ़ा दी अभी, ऊपर सब बता दिया आपको। सीपीसी इज एन एडजेक्टिव लॉ, इट नाइदर क्रिएट्स नॉट टेक्स अवे। अभी ये भी लाइन आपको मैं बताई थी, सीपीसी प्रोसीजर लॉ होता है कि नाइदर टेक्स नॉर क्रिएट्स द राइट। इट इज इंटेंडेड टू रेगुलेट द प्रोसीजर टू बी फॉलो। ये खाली बताता आपको प्रोसीजर, राइट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं बताता ये। सीपीसी राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में नहीं डिस्कस करता, सीपीसी सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बताएगा, प्रोसीजर बताएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है सीपीसी आपको? प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर। अगर आपकी राइट हर्ट हो गई है तो आपको प्रोसीजर बताएगा भाई। ये लो भाई स्कीम ऑफ सीपीसी, ये भी आपने पढ़ लिया है। मैं अगर फिर से आप देख लो एक बार, आपने ये भी आपको मैंने बता दिया। सिविल प्रोसीजर कोड क्या है? पार्ट वन क्या है? बॉडी ऑफ द कोड है। और पार्ट टू क्या है? आपका स्केड्यूल वन है। पार्ट वन 158 सेक्शंस में डिवाइड है, 158 सेक्शंस में डिवाइड है और इसमें ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं। अब पार्ट वन 158 सेक्शंस क्या बताते हैं आपको? लेज डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू पावर ऑफ द, देखो बताया था मैंने, इट क्रिएट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, मैंने टर्म यूज करा था, इट क्रिएट्स द ज्यूरिसडिक्शन, वही लिखा है। इट लेज डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू पावर ऑफ द, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट ज्यूरिसडिक्शन, सब मैंने बताया हुआ आपको अभी। और ये सेकंड पार्ट क्या है? इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर्स
methods and manners in which jurisdiction of the court may be exercised. जो jurisdiction दी गई है, power दी गई, उसको exercise करना कैसे है, उसको exercise करना कैसे, ऐसे यहाँ पे आइए आप, orders में आइए, rules देखिए. Indicate the mode, indicate the mode, ये orders क्या बताते हैं, indicate the mode in which jurisdiction should be exercised. कैसे exercise करेंगे jurisdiction, कैसे powers को use करेगा court, उस सब कहाँ लिखा हुआ है, आपका लिखा है orders और rules के अंदर. लो भाई ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, भाई एम एंड स्कोप आ गया आपका, ये भी आपने पढ़ लिया है, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया था अभी, सेम चीज देखो लिखी हुई है, सेम चीज लिखी है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द सिविल कोड्स. पढ़ा दिया मैंने आपको एम में, वही एम लिखा था ना, ऑब्जेक्टिव एम है. The Civil Procedure Code regulates every action in civil courts. सिर्फ civil courts की बात हो रही है. And the parties before it till the execution of a decree. जब तक decree execute ना हो जाए, तब तक या order execute ना हो जाए. Scope क्या है इसका? What is the scope? This code is a general procedure law. ये आपका एक code जो है general procedure law है. This code is the general procedural लॉ, ये आपका जनरल प्रोसीजर लॉ है. इट डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट विद द लोकल और स्पेशल लॉ इन फोर्स. इन द इवेंट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सिविल प्रोसीजर कोड एंड द स्पेशल लॉ विल प्रिवेल. ये चीज मैंने आपको बता दी. इन केस ऑफ द लोकल और जनरल लॉ इज साइलेंट ऑन एनी मैटर देन प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड विल बी प्रिवेल. ये सब हो चुका है हम लोग का, ये सब हम लोगों ने डील कर लिया, अभी पीपीटी में देख लिया था. अब आता है वॉट इज डिक्री, अब आता है व्हाट इज डिक्री. तो डिक्री क्या है, डिक्री क्या है, इट मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन. जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि डिक्री का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट व्हिच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज. तो डिक्री क्या होती है, आपकी राइट्स बताती है. डिक्री क्या होती है, conclusively determines the right. तो ये क्या है, देखो डिक्री क्या है, important terms क्या है यहाँ पे हम लोग के लिए, जो हम लोग को ध्यान रखना है डिक्री में. पहला तो आपको याद रखना है कि डिक्री एक आपका भाई formal expression होता है. तो डिक्री आपका एक क्या है, पहला तो मैं बोलता हूँ डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन. तो ये वर्ड आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया. डिक्री क्या है भाई, फॉर्मल एक्सप्रेशन है. और क्या है डिक्री ऑफ द कोर्ट, सो रिगार्ड कोर्ट एक्सप्रेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है. Conclusively determines क्या, क्या determine करता, rights. Conclusively determines the rights of the parties. अब आगे main point अब आपका यहां से शुरू होता है with regard to all or any. यहां word देखो आ रहा है दो, all or any, all or any of the matters in controversy. जो controversial matters थे उसके बारे में. To determine the क्या है, with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and the decree may be either preliminary or final. अब ये क्या बोल रहा है, यहां तक तो आपको समझ आ रहा होगा, rights of the party तक, यहां तक तो आपको समझ आता होगा, क्योंकि भाई यहां तक तो मैंने आपको अभी पीपीटी में ही बता दिया था, यहां तक तो आपको मैंने पीपीटी में बता दिया था. और इसके बाद जो लाइन लिखी with regard to all और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी, या सभी मैटर्स से रिलेटेड या कुछ मैटर्स से रिलेटेड, सभी मैटर्स से रिलेटेड या तो सब कुछ मैटर्स, ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट एंड द डिक्री मे बी आइदर प्रीलिमिनरी और फाइनल. ये भी बताया था मैंने आपको कि दो तरह की होती है, या तो प्रीलिमिनरी होती है या तो फाइनल होती है. और प्रीलिमिनरी का मतलब आपको क्या है कि भाई अभी फाइनली केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, मगर बीच में ही कुछ ना कुछ कोर्ट ने क्या करा है, जज ने क्या बताया आपको, कुछ आपके अधिकार आपको दे दिए हैं, राइट्स कुछ बताए हैं बीच में. चलो मैं आपको इसको ना सीधा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. चलो भाई एग्जांपल एक देते हैं, यहां से पूरा क्लियर होगा सब कुछ, पूरी इमेज आपको क्लियर हो जाएगी इसकी डिग्री की. बहुत ध्यान से एग्जाम्पल समझना, और एग्जाम्पल पूरे चैप्टर में यूज होगा. मैं आपको एग्जाम्पल जो देने जा रहा हूं, ये चैप्टर पूरे चैप्टर में आपका एग्जाम्पल यूज होना. और ये एग्जाम्पल है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है. एक हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके बीच में एक डायवोर्स केस फाइल हुआ है, ठीक है. एक डायवोर्स केस फाइल करा है वाइफ ने अगेंस्ट दी हस्बैंड. तो वाइफ बन गई प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन बन गए,
मिस्टर हस्बैंड। तो वाइफ ने डाइवोर्स डाइवोर्स की सूट फाइल करा है कोर्ट में, और कोर्ट से बोला कि जज साहब मुझे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए, प्लस मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए। अब डाइवोर्स चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई डाइवोर्स के बाद मुझे अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे चाहिए, मेरा एक बच्चा भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई करानी है, सब कुछ कराना है, तो मैं तो अपने हस्बैंड पर पूरा डिपेंड थी, बट उसका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, पूरा फैक्ट्स बताएगी, वो पूरा फैक्ट्स अपना प्लेंट में लिखेगी कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से उसको डाइवोर्स चाहिए। ठीक है, जज के पास प्लेंट पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, जज ने बुलाया किसको, हस्बैंड को। जज उसको बुलाएगा हस्बैंड को, हस्बैंड से बोलेगा भाई आपके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है और डाइवोर्स की भाई मेरे पास प्लेंट आई है। तो डाइवोर्स का जब प्लेंट आएगा तो हस्बैंड क्या करेगा, अपना रिटर्न स्टेटमेंट देगा, अपनी सफाई भी देगा, और कोर्ट के पास फाइनली दोनों प्रेजेंट होंगे। तो हस्बैंड एंड वाइफ अब कोर्ट में खड़े हुए हैं दोनों। अब कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा हस्बैंड से कि भाई आपके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है और ये बातें हैं, आप बताइए। तो हस्बैंड बोलता है सर डाइवोर्स की बात तो बहुत दूर पे है, मैं तो इस औरत को जानता ही नहीं हूं, मेरी शादी कब हुई। जज चौंक गया। अब जज के सामने दो मैटर आ गए, पहला तो एक ये है डाइवोर्स जिसके लिए प्लेन फाइल हुआ, दूसरा मैटर तो ये आ गया शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो पहले तो जज को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई शादी हुई है या नहीं, अगर शादी हुई नहीं होगी तो डाइवोर्स का तो मैटर ही नहीं आना, क्लियर है, और अगर शादी हुई है तब डाइवोर्स वाली बात पे जाएंगे। पहले तो जज को ये क्लियर करना है या ये जजमेंट देनी है एक तरह से अपनी कि भाई शादी हुई भी है या नहीं। तो पहला मैटर तो शादी का आ गया कि शादी हुई है या नहीं। तो हेयरिंग चली, मैटर चला और सब कुछ देखे गए, एविडेंस देखे गए, सबूत देखे गए। वाइफ ने बोला सर मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है, पिक्चर्स रखी हैं, बहुत से रिश्तेदार आए थे, वो एज अ विटनेस प्रेजेंट हुए। तो जज ने सब कुछ देखा, पूरी कार्रवाई करी और फाइनली डिसाइड करा, क्या पहले डिसाइड करा कि हां जी मिस्टर हस्बैंड और जो वाइफ है इनके बीच में शादी हुई है, तो दोनों की शादी हुई है। तो ये पहला, इसको क्या बोलेंगे, ये भी एक डिक्री आई, ये दिस इज द प्रीलिमिनरी डिक्री, क्योंकि अभी फाइनली केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रीलिमिनरी डिक्री कि अभी केस पूरा डिसाइड नहीं हुआ, मगर मैटर इन था ना, कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर था, एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर था कि इस पे भी आपको डिसाइड करना कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो पहले कोर्ट ने बताया शादी हुई है, तो एक राइट, एक अधिकार तो वाइफ को मिल गया कि हाँ भाई शादीशुदा तो हम हैं। ठीक है, अब मैटर आएगा डाइवोर्स का। अब जज देखेगा डाइवोर्स में कि डाइवोर्स दिया जाए, मेंटेनेंस दी जाए, कितनी दी जाए। अब आएगा सेकंड। अब जज ने फाइनली बाद में डिसाइड किया कि हाँ जी डाइवोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड इसका बहुत मारता पीटता है, रोज भैया रात को आता है, पी पा के आता है, वी बोलती मुझे मारता है, पीटता है, गालियां देता है, जो भी है सब कुछ फैक्ट्स बता दिए उसने। उस बेसिस पे जज ने डिसाइड किया कि हाँ जी डाइवोर्स भी मिलना चाहिए, और जो वाइफ है उसका बच्चा भी है, छोटा बच्चा है, पढ़ाई के खर्चे भी होंगे, तो सब कुछ बता के बोलता आपको मेंटेनेंस फीस इतनी आपको पे करनी पड़ेगी अपनी वाइफ को हर महीने, जो भी है। तो जज ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि डाइवोर्स मिलना चाहिए प्लस मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। ये क्या है, दिस इज दी फाइनल डिग्री, और वहां पे केस हो गया खत्म। ठीक है, तो समझ आ रहा है प्रीलिमिनरी डिग्री क्या हुई, उसमें भी अधिकार मिला कि हाँ शादीशुदा है, तो एक राइट मिल गया, और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में ये हुआ कि डाइवोर्स दिया है, तो यहां पे भी मेंटेनेंस मिल रही है, क्या, दिस इज दी फाइनल डिग्री। अब आप एक बार लाइन पढ़ो यहां पे आके, विद रिगार्ड टू राइट्स ऑफ द पार्टी, विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी। ऑल हो गए यहां पे, दोनों मैटर्स ले लिए, ऑल और एनी ऑफ द मैटर, कोई भी मैटर अगर दोगे वो भी डिक्री है। तो अगर एनी ऑफ द मैटर बोलता मैं, आपका कौन सा, शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो एनी ऑफ द मैटर, दो मैटर थे यहाँ पे टोटल केस में, एग्जाम्पल में दो मैटर थे, शादी हुई है कि नहीं हुई पहला मैटर था, दूसरा था डाइवोर्स का, तो दोनों के बारे में डिसाइड करना वो भी डिक्री, एक ही मैटर के बारे में डिसाइड हुआ वो भी डिक्री। तो ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी, जिसके बारे में कॉन्ट्रोवर्सी है, पता ही नहीं है कि है क्या, ठीक है, तो दोनों के बारे में अगर कुछ भी बताते हैं तो उसको डिक्री बोला जाता है इन द सूट, एंड डिक्री में बी आइदर
प्रीलिमिनरी और फाइनल। डिग्री प्रीलिमिनरी भी होती है, डिग्री फाइनल भी होती है। फर्दर प्रोसीडिंग्स और अगर अभी चलनी बची हैं, उसके पहले ही कोई जज अगर डिग्री दे देता है तो उसको प्रीलिमिनरी बोलेंगे, जिससे राइट्स पता चलते हैं मेरे। और अगर लास्ट में जब बताता है, जजमेंट देता है, जैसे डाइवोर्स बोला कि हाँ डाइवोर्स देना है, मेंटेनेंस देनी है, दैट इज दी फाइनल डिग्री ऑफ केस, वहां पे डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डिग्री प्रीलिमिनरी और फाइनल दोनों है। डिग्री क्या है? प्रीलिमिनरी भी है और फाइनल भी है। आई होप क्लियर होगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या देखो, डिग्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। अभी आपके सामने प्रीलिमिनरी डिग्री का मीनिंग लिखा हुआ है। क्या होती है प्रीलिमिनरी? व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन, हैव टू बी टेकन, तो उसके पहले अगर कोई डिग्री आ रही है तो उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी। डिग्री इज फाइनल व्हेन द कंप्लीटली डिस्पोज, व्हेन इट इज कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, जब सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल डिग्री। डिग्री में भी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स, व्हेन द, इसके आगे मैं लिख दूं, आप भी लिख लेना, When the court, इसका मतलब होता है when the court decides two questions, when the court decides two questions, दो questions के बारे में decision आ रहा है, when the court decides two questions by the same decree, एक ही decree में, by the सेम डिग्री। तो आप देखो एग्जांपल जो हम लोगों ने दिया, अभी मैंने आपको दिया डायवोर्स वाला, इसमें देखो ये पार्टली प्रिलिमिनरी है, पार्टली फाइनल भी, एक तरह से आधी आधी है। क्या हो रहा है, कोर्ट डिसाइड द टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ गए थे ना इसके अंदर भी, एक प्रिलिमिनरी था एक फाइनल था। प्रिलिमिनरी क्या था कि भाई हाँ आपकी शादी हुई है, और फाइनल क्या था इसमें, इसी डिग्री में फाइनल क्या था, फाइनल ये था कि भाई आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा डायवोर्स का, जो आप डाइवोर्स का केस जो फाइल किया था वाइफ ने, वो उनके फेवर में जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा था इसके एग्जांपल में, दोनों हो रहा था, पार्टली प्रिलिमिनरी थी और पार्टली आपकी फाइनल थी, तो एक ही डिग्री में दोनों क्वेश्चंस आपके डिसाइड कर दिए थे जज ने। बट द डिग्री डज नॉट इंक्लूड, डिग्री क्या क्या इंक्लूड नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिग्री क्या इंक्लूड नहीं करती, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। अच्छा भाई, any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, इसका मतलब बताया क्या बोल रहा है, ये सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है कि जो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं ना, अपीलेबल ऑर्डर्स आपको पता है, हाँ जी सर पता है, क्योंकि अभी आपने सर पीपीटी में बताया था कि ऑर्डर्स होते हैं कुछ जिसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 104, पांच ऑर्डर सर ऐसे होते हैं, आपने अभी बताया था हमको, ठीक है। तो अपीलेबल ऑर्डर्स, ये अपीलेबल ऑर्डर्स की बात कर रहा, तो डिक्री डज नॉट इंक्लूड दी अपीलेबल ऑर्डर्स, ठीक है। अपीलेबल ऑर्डर जो आपके होते हैं उसको डिक्री नहीं, ऑर्डर तो वैसे भी डिक्री होती ही नहीं, ऑर्डर तो डिक्री होती नहीं, क्योंकि डिक्री अलग चीज है, ऑर्डर्स अलग चीज है, वो तो आपको पता ही है। मगर आप बोलोगे सर ऑर्डर्स वाले ऑर्डर्स का बताओ सर जिसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है, क्योंकि सर डिक्री के अगेंस्ट तो अपील फाइल हो सकती है, तो कुछ ऑर्डर ऐसे भी हैं जिसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं, तो क्या उसको सर डिग्री मान लिया जाए? नो, आप नहीं मानोगे, ठीक है। तो जो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं उनको भी डिग्री नहीं मानी जाती। अपीलेबल ऑर्डर्स कहां पे हम पढ़ेंगे, हम लोग 104 में पढ़ेंगे, सेक्शन 104 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसको। और दूसरा क्या डिग्री नहीं है, डज नॉट इंक्लूड में क्या है दूसरा, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट मतलब क्या है, दैट इज डिफॉल्ट इन अपीयरेंस बाय द प्लेंटिफ। अब बताओ भाई, भाई जिस दिन हियरिंग थी ना, जिस दिन कोर्ट में आपको पहुंचना था, उस दिन प्लेंटिफ आया ही नहीं कोर्ट में, उस दिन कोर्ट में प्लेंटिफ आया ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या कर देगा, सूट को डिसमिस करेगा, सूट को वहां पर डिसमिस करेगा, तो उसको डिक्री नहीं बोली जा रही, उसको डिक्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या पता भाई प्लेंटिफ की तबीयत खराब हो गई हो, क्या पता प्लेंटिफ आ रहा हो रास्ते में उसको एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाया, तो कोर्ट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा, कोर्ट केस को क्या करेगा, डिसमिस करेगा, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिफॉल्ट इन अपीयरेंस बाय द प्लेंटिफ, तो एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, इसको भी हम लोग डिक्री नहीं मानते,
क्लियर है, तो दो चीज डिग्री में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट, अ डिग्री कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज अ जजमेंट इज प्रोड्यूस्ड। ये लाइन मैंने आपको बताई थी अभी, डिग्री कब एनफोर्स होती है, कब एग्जिस्टेंस में आती है, एज सून एज अ जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड एंड नॉट ऑन द डेट व्हेन इट इज सील्ड एंड साइंड। सील एंड साइन तो बात का काम है, वो जज करता रहेगा, सील करेगा उसको, साइन करेगा, मगर जिस दिन उसने कोर्ट रूम में बोल दिया खुलेआम सबके सामने कि भैया ये जजमेंट है पूरी, ठीक है, उस दिन से डिग्री आपकी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, उस दिन से डिग्री आपकी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। वॉट आर दी एसेंशियल्स ऑफ डिग्री, डिग्री के एसेंशियल्स क्या है भाई, देयर मस्ट बी, ये चीज आप लोगों ने, ये भी आप लोगों ने पढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूं कि तीन चार पेजेस कुछ ऐसे होंगे जो आपको सब मैंने पीपीटी से करा दिया, सब आपको वहां से बता दिया मैंने। क्या है, देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब आपको मेरे हिसाब से अब समझ आता होगा, क्या मैंने बताया था, जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होगा, साइन होगा, समझ आता आपको, जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होगा ये। देयर मस्ट बी अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होगा, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगा कि राइट्स एंड क्या है पार्टीज की। द डिटर्मिनेशन मस्ट विद रिगार्ड टू ऑल और एनी, देखो ऑल और सब या कुछ, ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी, ये भी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे था। और लास्ट में क्या है, द एडजुडिकेशन शुड हैव बीन गिवन इन द सूट, एडजुडिकेशन शुड हैव बीन गिवन इन द सूट, ठीक है, समझ आता है, द एडजुडिकेशन शुड हैव बीन गिवन इन द सूट। अब एक बात बताओ, अगर सूट फाइल नहीं हुआ, प्लेन फाइल हुआ, तो एडजुडिकेशन भी नहीं आएगी, ऑब्वियस बात है कि नहीं होगा, तो जो जो सूट फाइल होगा उसी पे एडजुडिकेशन आएगी, तभी आपको प्रोसीजर फॉलो होगा, तभी। अगर मैं बोलूं कि सर नो सूट और नो सूट और प्लेंट, अगर ना सूट फाइल करते ना प्लेंट फाइल करते, तो सर मैं बोलता हूं नो एडजुडिकेशन, तो मैं बोलूंगा नो एडजुडिकेशन, क्लियर है, नो सूट नो प्लेंट नो एडजुडिकेशन। तो क्या है, एडजुडिकेशन शुड हैव बीन गिवन इन अ सूट, जब तक सूट फाइल नहीं होगा तब तक एडजुडिकेशन तो होगी नहीं। एडजुडिकेशन क्या होती है आपको समझ आता है, ठीक है, मैंने बताया था एडजुडिकेशन क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन और एडजुडिकेशन बोला था मैंने। एडजुडिकेशन का मतलब क्या हो रहा है आपका, लीगल प्रोसेस होता है फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। और लीगल प्रोसेस क्या क्या देखते हो आप, विटनेस देखते हो, एविडेंस देखते हो, विजडम ऑफ जज, ये देखो नीचे लिखा हुआ है नोट में, मैंने लिखा हुआ एडजुडिकेशन डेफिनेशन, इसको आप रीड कर लेना, आपके सामने लिखी हुई है, समझना हो तो आप देख लेना। एडजुडिकेशन क्या होता है, देखो सिंपल लाइन में लिखी हुई है यहां तक, द लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, लीगल प्रोसेस क्या है, सब कुछ देखेगा जज, तभी आपका एडजुडिकेट करेगा। व्हाट इज प्रीलिमिनरी एंड फाइनल, दो प्रीलिमिनरी और फाइनल में क्या डिफरेंस है, नीचे लिखा हुआ आपका, अ डिग्री इज प्रीलिमिनरी, अ डिग्री आपकी प्रीलिमिनरी होगी, डिग्री आपकी प्रीलिमिनरी कब होगी भाई, when further proceedings क्या have to be taken before the suit can be completely disposed of, लिखा हुआ है, the decree is preliminary when further proceedings have to be taken, when further proceedings have to be, लिखा ना, अभी proceeding चलनी है मगर उसके पहले ही कुछ ना कुछ decree आ गई, जैसे taken before the suit can be completely disposed of, a preliminary decree decides the rights of the parties on all or any of the matters in controversy in the suit but does not completely dispose of the suit, completely dispose of नहीं होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स केस वाला है, हमेशा याद रखना, यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है वाला फिर से, ठीक है, क्या वो शादीशुदा थे या नहीं थे, whether they are married or not, पहला क्वेश्चन आपसे बोलता हूं, whether they are married और नॉट, ये मेरा से पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वेदर दे आर मैरिड और नॉट, ये पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो आएगी डिग्री वो आएगी प्रीलिमिनरी आएगी, यहाँ पे प्रीलिमिनरी डिग्री आएगी, जो भी है, हाँ शादी हुई हुई है तो प्रीलिमिनरी डिग्री हो गई। दूसरा क्वेश्चन था डायवोर्स देना चाहिए या नहीं, डायवोर्स विल बी गिवन और नॉट, विल बी Given or not, ये second question हो गया, ये second question, अभी ये जब आ जाएगा second, ये होगा final,
समझ आता है? देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द प्रीलिमिनरी डिग्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फाइनल डिग्री। प्रीलिमिनरी डिपेंड नहीं होती फाइनल पे, ऑन द अदर हैंड फाइनल डिग्री इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीलिमिनरी डिग्री। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी डिग्री है वो फाइनल थोड़ी डिपेंड कर रही है। आप देखो एग्जाम्पल से देखो आपको समझ आ जाएगा, जो फाइनल है वो डिपेंड करती है इस पे। अरे जब तक शादी ही नहीं हुई होगी तो डाइवोर्स किस बात का, तो फाइनल वाला क्या है डाइवोर्स, डिपेंड किस पे कर रही है प्रीलिमिनरी पे। अगर शादी ही, अगर कोर्ट बोल दे कि शादी ही नहीं हुई तो फाइनल वाले का तो मतलब ही कौन रहता, जब शादी नहीं हुई तो डाइवोर्स का मैटर ही नहीं आएगा। समझ आ रहा है आपको? तो जो प्रीलिमिनरी डिग्री है वो डिपेंड नहीं करती फाइनल पे, बल्कि जो फाइनल है वो डिपेंड करती है। ऑन द अदर हैंड फाइनल डिग्री इज डिपेंडेंट एंड सबॉर्डिनेट टू द प्रीलिमिनरी डिग्री एंड गिव इफेक्ट टू इट। क्लियर है? तो फाइनल डिपेंड करती है प्री पे। द प्रीलिमिनरी डिग्री ascertains what is to be done, what is to be done, ascertains what is to be done, ascertains, ascertain का मतलब क्या होगा, ascertains what is to be, ascertain मतलब यहां पे होगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा केस, किस डायरेक्शन में जाएगा। प्रीलिमिनरी डिग्री बताता है कि केस किस, प्रीलिमिनरी डिग्री आई, प्री डिग्री जो आपकी आई थी अभी एग्जाम्पल में कि हाँ भाई शादी हुई हुई है, तो आपको अब समझ आएगा ना कि हाँ भाई अब डाइवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग चीज है, तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ डाइवोर्स पे जाएगी बात। अगर प्रीलिमिनरी डिग्री अगर ये आ जाती कि शादी ही नहीं हुई है तो आपकी डाइवोर्स तक तो बात ही नहीं जाती। तो प्रीलिमिनरी डिग्री ये बताता है कि केस किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्रीलिमिनरी डिग्री बताता है केस। तो वह लिखा है प्रीलिमिनरी डिग्री एसर्टेन्स, एसर्टेन्स क्या एसर्टेन, कि केस किस डायरेक्शन में जाएगा, एसर्टेन्स वॉट इज टू बी डन, देखो क्या होगा, वॉट इज टू बी डन क्या आगे होगा, और तो प्री के ऊपर डिपेंड है फाइनल। वाइल द फाइनल डिग्री स्टेट्स द रिजल्ट, फाइनल डिग्री क्या बताएगा, रिजल्ट अचीव बाय मींस ऑफ द प्रीलिमिनरी डिग्री। ठीक है, तो मतलब वही बता रहा है, इन दोनों को पॉइंट लिंक है एक तरह से, दोनों पॉइंट अलग, सेकेंड और थर्ड पॉइंट दोनों लिंक है आपस में एक तरह से, कि प्रीलिमिनरी डिग्री जो है वो डिपेंड नहीं होती बल्कि फाइनल जो है वो डिपेंड होती है। जब प्रीलिमिनरी डिग्री आ जाती है तो वो बताती है एक तरह से कि भाई केस किस डायरेक्शन में मूव होगा आगे। ठीक है, और फाइनल डिग्री जब आती है तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो अचीव हो जाता है और केस खत्म हो जाता है वहां पे। क्लियर है? अब क्या लिखा है, इफ द प्रीलिमिनरी डिग्री इज सेट असाइड देन द फाइनल डिग्री इज ऑब्वियस ही बात है। अगर आप प्रीलिमिनरी डिग्री हटा दी तो क्या भाई आपका उसका कुछ रह जाएगा वजूद फाइनल डिग्री का? इफ द प्रीलिमिनरी डिग्री इज सेट असाइड देन द फाइनल डिग्री क्या होगा, फाइनल डिग्री का, फाइनल डिग्री भी ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगी। क्या मतलब भाई, क्या मतलब सेट असाइड का मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं बोलूं यहां पे प्रीलिमिनरी डिग्री के केस में, अगर मैं बोलूं इस केस में प्रीलिमिनरी डिग्री आई, एक डिग्री आई, अब डिग्री चाहे डिग्री तो कोई भी हो सकती है ना, चाहे प्री हो चाहे वो हो, डिग्री तो कोई भी हो सकती है, चाहे प्रीलिमिनरी डिग्री हो चाहे वो प्री हो चाहे वो आपकी फाइनल हो, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब प्रीलिमिनरी डिग्री आई, अब आपने क्या करा, अगर मैं एग्जाम्पल ले लू आपका, वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको डाइवोर्स वाला, तो मिस्टर हस्बैंड के अगेंस्ट आ गई, मिस्टर हस्बैंड बोलता कि शादी नहीं हुई मगर कोर्ट ने बोल दिया शादी हुई है, अब डिग्री आ गई। अब आपको पता है डिग्री इज अपीलेबल इन द कोर्ट, आपको पता है डिग्री तो अपीलेबल होती है चाहे कोई भी हो, प्री हो चाहे फाइनल हो, डिग्री तो अपीलेबल है। अब वो क्या करता है, वो जाता है सुपीरियर कोर्ट में, चैलेंज कर देता है, चैलेंज्ड, प्रीलिमिनरी डिग्री क्या हो गई, चैलेंज्ड इन द सुपीरियर, सुपीरियर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये, सुपीरियर कोर्ट है। ठीक है, सुपीरियर कोर्ट, आप पूरा लिखना, आप नहीं लिखना, आपने बाद में सुप्रीम कोर्ट पढ़ लोगे आप, चैलेंज इन द सुपीरियर कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपील, इसको बोलते हैं अपील। ठीक है, ये अपील हो रही है। अब क्या हुआ, आपने चैलेंज करा सुपीरियर कोर्ट ने और सुपीरियर कोर्ट ने आपके फेवर में कर दिया। ठीक है, तो जो प्रीलिमिनरी डिग्री दी थी नीचे वाले कोर्ट ने वो तो सेट असाइड हो गई ना, उसको हटा दिया गया। ठीक है, आपने चैलेंज करी, आपने चैलेंज करी सुपीरियर कोर्ट में और कोर्ट ने जजमेंट दे दी आपके फेवर में। अब कोर्ट बोलता है कि हाँ भाई आपकी शादी नहीं हुई थी, जब कोर्ट ने बोल दिया शादी नहीं हुई थी, जो फाइनल डिग्री आएगी डाइवोर्स वाली वो तो मैटर ही नहीं उठेगा ना फिर। इफ द प्रीलिमिनरी डिग्री इज सेट असाइड देन फाइनल डिग्री इज ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगी, वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही नलीफाई हो जानी उस दिन। क्यों, क्या हुआ, क्योंकि भाई जब शादी ही नहीं हुई, कोर्ट ने बोल दिया हाँ भाई आप शादी आपकी हुई नहीं है, तो फिर जो
फाइनल डिग्री आई थी जो नीचे वाले कोर्ट ने हमको दी थी जजमेंट कि हाँ भाई आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, डाइवोर्स देना पड़ेगा, सब तो नलीफाई हो गया, सब खत्म हो गया। तो वही है कि अगर प्रील में डिग्री आपकी सेटिसाइड हो गई तो फाइनल का तो कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल डिग्री जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे? प्री पे। और जब प्री ही चेंज हो गई तो फाइनल तो अपने आप ही खत्म हो गई। समझ आ रहा है? Even if the final decree is passed before filing the appeal against the preliminary decree within 19 days, क्या लिखा है भाई? देखो यहाँ लिखा है even if a final decree is passed before filing the appeal against the preliminary decree within 90 days, ठीक है भाई, still a preliminary decree can be properly appealed against in the higher court and it does not lose its appeal. ठीक है, तो एक्चुअली ना अपील करने के लिए मेरे पास 90 दिन का टाइम होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपील की चीज में। मगर हुआ क्या, जब प्रीलिमिनरी डिग्री आई ना तो मैं बोलता हूँ उसी के 10 दिन बाद फाइनल डिग्री भी आ गई, उसी के 10 दिन बाद फाइनल डिग्री भी आ गई, तो क्या अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते अपनी प्रीलिमिनरी डिग्री के लिए? हस्बैंड नहीं जा सकता था? जा सकता। देखो लिखा ना, इवन इफ द फाइनल डिग्री इज पास्ड बिफोर फाइलिंग द अपील अगेंस्ट द प्रीलिमिनरी डिग्री विद इन 90 डेज, विद इन 90 दिन के अंदर अंदर अगर आ जाती है आपकी फाइनल डिग्री भी, उस केस में भी स्टिल आप प्रीलिमिनरी डिग्री कैन प्रॉपरली अपील अगेंस्ट इन द हायर कोर्ट एंड डज नॉट लूज इट्स एपेलेट करेक्ट। अब अपील तो अभी भी आप फाइल कर सकते हो, तो मतलब अभी भी डिपेंड करेगा सब कुछ। समझ आ रहा है? इन ओवर डिग्री होल्डर और आपका जजमेंट डेटर, ये मैंने आपको बताया था अभी। डिग्री होल्डर कौन होता है? मींस एनी पर्सन इन हूज फेवर अ डिग्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। ये पता होगा आपको, जिसके फेवर में आता है उसको बोलते हैं डिग्री होल्डर और जिसके अगेंस्ट जाता है उसको बोलते हैं जजमेंट डेटर। मगर इसमें पॉइंट नया है, इवन अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट बट इन हूज फेवर अ डिग्री केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन इज पास्ड इज ऑल्सो अ डिग्री होल्डर। ये क्या बोल रहा है? इवन अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द सूट but in whose favor a decree capable of execution is passed is also a decree holder. ये बात कर रहा है beneficiary की, who is not a party to the suit. ये बात कर रहा है beneficiary की, ठीक है, ये बात हो रही है beneficiary की, beneficiary या इसको आप बोल लो और legal hires बोल सकते हैं, बोल सकते हो legal hires, ये बात हो रही है उनकी। क्या हो रहा है, मतलब क्या है? अरे भाई कोर्ट में केस गया, हाँ अब एक मिस्टर एक्स थे उनके फेवर में केस आ गया, मिस्टर एक्स के फेवर में केस आ गया और वो बहुत खुशी से उनकी जान निकल गई, खुशी से जान निकल गया भाई, उनके फेवर में केस आया, उनको कहीं से पैसा लेना था मिल नहीं रहा था, कोर्ट ने उनके फेवर में केस भी फाइल कर दिया, अब उनको पैसा लेना है मिस्टर एक्स से, ठीक है मिस्टर वाई मान लो, मिस्टर वाई से पैसा लेना, और मगर खुशी में उनकी जान निकल गई, तो क्या अब मिस्टर वाई पैसे नहीं देगा? मिस्टर वाई पैसे देगा और पैसे लेगा कौन? मिस्टर एक्स के बेनिफिशियरी या उनके लीगल हायर्स, ठीक है। तो इवन अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी, अब देखो मिस्टर एक्स के जो सन थे, जो मिस्टर एक्स का सन जो होगा वो तो था ही था, पार्टी तो था ही नहीं, ठीक है, मगर फिर भी इवन अ पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू बट इन फेवर इन हूज फेवर अ डिग्री केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन इज पास्ड इज ऑल्सो अ डिग्री। तो अब जो बेनिफिशियरी है, जो लीगल हायर है, उसको हम एज्यूम करेंगे कि दैट पर्सन इज द डिग्री होल्डर, दैट पर्सन इज द डिग्री होल्डर। और जजमेंट डेटर क्या हो गया? जजमेंट डेटर ऐसा है, मींस एनी पर्सन अगेंस्ट हूम अ डिग्री हैज बीन पास्ड और एनी ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन, ये तो पढ़ा है आपने। इसमें क्या लिखा है? दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड जजमेंट डेटर, डिसीज जजमेंट डेटर। अब यहां क्या है, यहां थोड़ा उल्टा केस हो रहा, यहां उल्टा केस हो रहा। क्या केस है? मिस्टर एक्स है, उन्होंने लोन लिया बैंक से, मिस्टर एक्स ने क्या लिया? लोन लिया। अब मिस्टर एक्स डाइड, मिस्टर एक्स मर जाते हैं भाई, कब मर जाते हैं? बिफोर रिपेमेंट, लो भाई बिफोर रिपेमेंट ऑफ लोन मिस्टर एक्स की हो जाती है डेथ। अब बताओ मुझे, आप आंसर दो कि वेदर द सन ऑफ मिस्टर एक्स विल बी लायबल टू रिपे द लोन, दिस इज द क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ने लोन लिया, बैंक से पेमेंट चाहिए भाई, बैंक को पेमेंट चाहिए, मगर जब रिपे करना था उसके पहले उनकी हो जाती है डेथ। अब क्या जो मिस्टर एक्स के जो सन थे, क्या उनको पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? The answer is no,
सन इज नॉट लायबल टू मेक द रीपेमेंट ऑफ द लोन. ये देखो लिखा है, दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड जजमेंट डेटर. डिसीज का मतलब इसकी डेथ हो गई है, डिसीज्ड जजमेंट डेटर. तो मिस्टर जो उसके सन होंगे, सन सन ऑफ मिस्टर एक्स, सन ऑफ मिस्टर एक्स नॉट लायबल, नॉट लायबल फॉर रीपेमेंट, नॉट लायबल फॉर रीपेमेंट. रीपेमेंट के लिए वो लायबल नहीं होगा, उसके लिए लायबल नहीं होगा. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट आपका वर्ड कॉज ऑफ एक्शन, ये भी हम लोगों ने करा था. देख लेते हैं भाई कॉज ऑफ एक्शन क्या है. कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है. कॉज ऑफ एक्शन मींस ऑल एसेंशियल फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द राइट ऑफ द प्लेंटिफ एंड इट्स इंफ्रिंजमेंट वायलेशन बाय द डिफेंडेंट. कॉज ऑफ एक्शन मतलब आपको मतलब बता दिया था कि एक्शन लेने के पीछे आपके क्या क्या कारण है, आप क्यों सूट फाइल कर रहे हो, पूरा आपको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे. देखो ना कॉज ऑफ एक्शन मींस ऑल एसेंशियल फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द राइट्स ऑफ द पार्टी, जिससे आपका एक हक आए कि भाई नहीं मेरा हक है मुझे मिलना चाहिए. तो आपको पूरे फैक्ट्स बताने पड़ते हैं कोर्ट में, ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, उसी को बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन. मैंने आपको बताया था पीपीटी में कि कॉज ऑफ एक्शन में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा. कॉज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट्स दैट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इन द कोर्ट. सब फैक्ट्स बताओगे आप इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू ऑब्टेन द फेवरेबल जजमेंट ऑफ द कोर्ट. तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है, सब कुछ पूरी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी, किस लिए आप एक्शन ले रहे हो, किस लिए आप एक्शन ले रहे हो. आई होप क्लियर होगा, इजी है. हां जी सर, बहुत इजी लग रहा है मुझे तो, मुझे तो सब समझ आ रहा है, बहुत इजी लग रहा है. हां जी चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर में कुछ इतना टेक्निकलिटीज ऐसी नहीं रहेंगे. अगर आप समझोगे अच्छे से तो बहुत आराम से समझ आएगा, ठीक है. कुछ कुछ आगे टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे अभी, ये तो आपने को आपको इजी समझ आ रहा होगा क्योंकि आपने पीपीटी से अभी ऊपर का कुछ ओवरव्यू ले लिया इसका एक तरह से, ठीक है. आगे कुछ आएंगे टेक्निकलिटीज शुरू होंगी, उस पर भी डील करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अब आपकी बात आती है जजमेंट की. ये लो जजमेंट भी आपने, आप बोलोगे सर ये तो ये भी मैंने पढ़ लिया. हाँ जी सर आपने पढ़ लिया है, पर देख लो क्या है, है क्या जजमेंट भी, एक बार देख लेते हैं. जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज. जजमेंट क्या है, स्टेटमेंट गिवन बाय द जज विच फॉर्म्स द बेस फॉर अ डिक्री और ऑर्डर, ठीक है. जजमेंट क्या है, स्टेटमेंट गिवन बाय द जज विच फॉर्म्स द बेस. ये बेस है डिक्री और ऑर्डर का, कि किसके बेसिस पे आपने डिक्री और ऑर्डर दी है, क्या क्या देख के, रीजंस, लॉजिक्स, फैक्ट्स, एविडेंसेस, किसके बेस पे आपने डिक्री दी है. जजमेंट इज अ स्टेज विच इज प्राइ, आपको पता है, विच इज अ स्टेज प्रायर टू अ डिक्री और ऑर्डर. यस सर पता है. दस अ जजमेंट मस्ट सेट आउट द ग्राउंड्स एंड reasons for the judge to have arrived at the decision. Though the decree may not contain such, is the decree contain नहीं करती reason. Reason कौन contain करता, पूरा judgment. Essentials क्या है इसके, the essentials elements of the judgment is that there should be a statement for the grounds of the decision. Every judgment other than that of the court of small causes should contain, ठीक है, every judgment other than the court of small causes. Court of small causes क्या होता है भाई, ये भी एक अलग चीज है. Court of small causes ऐसे courts होते हैं जहां पे बहुत से छोटी मोटे केसेस जाते हैं, मतलब बहुत सी इसकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत सी कम होती है, वहां ऐसे केसेस जाते हैं, ठीक है. तो court of small causes, ये court of small causes आपके सिलेबस में नहीं है. अगर आप चाहो कभी देखना पढ़ना तो गूगल में बस court of small causes डाल देना, आपके सामने खुल जाएगा. बस मैं आपको इन जनरल बता दे रहा हूं कि court of small causes जैसे आपने पढ़ा था सिविल जज जूनियर डिवीजन, उसके नीचे आता है आपका कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस. हायरार्की में देखा जाए तो उसके नीचे आएगा, जहां पे बहुत से छोटे मोटे केसेस जाते हैं जिसकी पिक्योरिटी लिमिट बहुत कम होती है, ठीक है. और हर स्टेट में अलग अलग कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस है, हर उनकी लिमिट्स अलग अलग डिसाइडेड है. तो एवरी जजमेंट अदर देन दैट ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस जजमेंट के अलावा, एवरी जजमेंट अदर देन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस शुड कंटेन. तो क्या कंटेन करना चाहिए, अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस. कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस रहेगा पूरा. The points for determination, किस किस point के determine करना पड़ेगा. The decision there on the reason for decision. चार point देखो आपके सामने सीधा है. क्या judgment include करता, concise statement of the case, पूरा statement रहेगा case का कि क्या क्या था. The points for determination, कौन कौन से point को देख के हमने rights आपके बताए हैं.
ठीक है, डिसीजन या जो आपने डिसीजन दिया है, क्या डिसीजन दिया है वो भी रहेगा, और द रीजन फॉर दिया, जो डिसीजन आपने दी है, जो फाइनल आपने डिग्री पास करी है, फाइनली आपने राइट्स बताए हैं, फाइनली किसी पार्टी की लाइबिलिटी बताई है, उस पे पहुंचने तक के आपके रीजन क्या है, लॉजिक्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, एविडेंसेस क्या है, सब कुछ आपको जजमेंट के अंदर डालना है, जज सब कुछ बताता है, ठीक है, तभी बोलते हैं जजमेंट बहुत बड़ी बड़ी पेजेस की होती है, ठीक है। ऑर्डर्स क्या है भाई, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स क्या है, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स क्या चीज होती है भाई, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। फॉर्मल एक्सप्रेशन यहां पे वर्ड आ गया, आपको पता है फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है, ऑन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री, जो कि डिग्री नहीं है, विच इज नॉट अ डिग्री, जो डिग्री नहीं है उसको ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज ऑर्डर डज नॉट एडजुडिकेट द राइट, ऑर्डर डज नॉट एडजुडिकेट द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज इन द सूट, ऑर्डर डज नॉट एडजुडिकेट द, देखो राइट्स नहीं बताता ये, ऑर्डर राइट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं बताता, ऑर्डर डज नॉट एडजुडिकेट द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज इन द सूट। अ डिग्री कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, अ डिग्री क्या करती है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी बट इन सूट, एंड द डिग्री मे बी आइदर प्रीमियर फाइनल बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ ऑर्डर। देख रहे, देख लिया आपने, दिख रहा आपको, दिस इज नॉट द केस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के केस में ये सब चीजें नहीं होती, ऑर्डर के केस में ये सब चीजें नहीं होती। एन ऑर्डर डज नॉट डिस्पोज ऑफ द सूट, डिस्पोज ऑफ द सूट, ऑर्डर डज नॉट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डज नॉट डिस्पोज ऑफ द सूट बट इट मेयरली अ डायरेक्शन टू फर्दर प्रोसीजर, एक डायरेक्शन होती है, इट मेयरली अ डायरेक्शन टू फर्दर प्रोसीजर, एक प्रोसीजर को सही से चलाने के लिए कुछ बीच बीच में जो डायरेक्शन देता रहता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। इट रिजर्व सम क्वेश्चन फॉर फर्दर डिटर्मिनेशन, रिजर्व सम क्वेश्चन फॉर फर्दर डिटर्मिनेशन। तो क्लियर है, ऑर्डर क्या है, डिस्पोज ऑफ सूट को, सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करता, इट मेयरली गिव्स अ डायरेक्शन टू फर्दर द प्रोसीजर्स, ठीक है, टू फर्दर प्रोसीजर्स। एग्जाम्पल देखो क्या है भाई, एग्जाम्पल क्या है, ऑर्डर बाय सुपीरियर कोर्ट टू रिमांड द मैटर बैक टू द लोअर कोर्ट। अच्छा भाई, इसमें क्या हुआ कि एक सबॉर्डिनेट कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट नीचे वाला कोर्ट है, उसने कोई जजमेंट पास कर दी, ठीक है, डिग्री आ गई, अब जिसके अगेंस्ट डिग्री आई वो पहुंच गया लेके अपील, कहां चला गया, सुपीरियर कोर्ट पे, सुपीरियर कोर्ट के जज ने देखा जब मैटर, वहां बोला इस मैटर में कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज भी नहीं है, कुछ ऐसा लग बिन रहा है कि कुछ समझ ना आ रहा हो, इजी सा मैटर है, हाँ, मगर इस जज, जो नीचे वाला जज है, उसने मैटर को कुछ अलग तरीके से डिसाइड कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था, वो क्या करेगा, दैट सुपीरियर जज विल पास द ऑर्डर, क्या पास करेगा, ऑर्डर बाय द सुपीरियर कोर्ट टू रिमांड द मैटर बैक टू द लोअर कोर्ट, वो मैटर फिर से भेज देगा लोअर कोर्ट के पास, और उसके बोलेगा क्या, बोलेगा उसको ऑर्डर क्या देगा, ऑर्डर देगा कि आप केस को फिर से देखिए, केस को फिर से पढ़िए और अपनी डिग्री को इंप्रूव करिए, आप कोर्ट क्या करेगा, फिर से ऑर्डर दे देगा, तो क्या आपको राइट एंड लाइबिलिटी डिसाइड हो रही है किसी की, कुछ नहीं हो रहा, क्या कर रहा है, खाली एक ऑर्डर आ रहा है। सेकंड एग्जांपल, ऑर्डर टू ग्रांट द टेम्परेरी स्टे, टेम्परेरी स्टे लगाना भाई, टेम्परेरी स्टे लगा देना, टेम्परेरी स्टे का मतलब टेम्परेरी इंजेक्शन, स्टे ऑर्डर होते हैं, स्टे ऑर्डर आप बोलते हो, स्टे ऑर्डर पास कर दिया कि ऐसा काम आप नहीं करोगे, ऐसा काम आप नहीं करोगे, समझ आता है, ऐसा आप काम नहीं कर सकते, स्टे लगा देना, स्टे, स्टे लगाने का ऑर्डर भी आ जाता है कि पार्टीज बोलती हैं, जो सूट जिसके भी जो पार्टी हेयरिंग में होती है उनके बीच में सूट फाइल हुआ हुआ आपस में, ठीक है, वो अपनी हेयरिंग चल रही है, उनकी केस चल रहा, अब क्या होता है उसमें, एक पार्टी बोलती है जज को, रिक्वेस्ट करती है सर ऑर्डर पास कर दो सामने वाली पार्टी अगेंस्ट, कि जब तक हियरिंग चल रही है, जब तक हियरिंग चल रही है ये पर्सन पर्टिकुलर एक्ट नहीं करेगा, पर्टिकुलर काम नहीं करेगा जब तक कोर्ट अपना जजमेंट नहीं दे सक नहीं दे देता, तो क्या करेगा कोर्ट, उस पार्टी अगेंस्ट क्या करेगा, इंजंक्शन ऑर्डर पास करेगा, इंजंक्शन ऑर्डर मतलब क्या करेगा, उसके ऊपर
एक तरह से इसको इंजंक्शन ऑर्डर बोल सकते हैं, या तो टेम्परेरी स्टे लगाएगा कि भैया जब तक फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता मैटर, तब तक आप ये काम नहीं करेंगे, तब तक आप ये काम नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं टेम्परेरी स्टे। ठीक है, इसको बोला टेम्परेरी स्टे, कोई काम को रोकने के लिए। कोर्ट जस्ट पास द ऑर्डर, तो मतलब केस तो चल रहा है, हियरिंग तो चलेगी, मगर क्या कर रहा है कोर्ट, सामने वाले को मना कर रहा है कि जब तक आपका केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आप ये चीज नहीं करोगे। ऑर्डर टू रिफ्यूज ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टे, ये जस्ट अपोजिट पॉइंट इसका, कि मैंने कोर्ट से बोला कि सर मुझे टेम्परेरी स्टे लगवा दीजिए इस चीज पे, ताकि सामने वाली पार्टी ये काम ना करे, तब तक कोर्ट ने मना कर दिया आपका ऑर्डर। तो आप कोर्ट ने क्या कर दिया, ऑर्डर टू रिफ्यूज द ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टे, आपने मना, कोर्ट आपको मना कर दिया कि नहीं भाई मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि ये टेम्परेरी स्टे आपको नहीं मिल सकता, रिफ्यूज कर दिया, ये भी एक ऑर्डर दिया। तो इसमें राइट एंड लाइबिलिटी कुछ नहीं आ रही, बस एक ऑर्डर आ रहा है, बस एक ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, अब एक और है, ऑर्डर ऑन एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ सूट इन द कोर्ट, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ सूट। अच्छा भाई, लिमिटेशन एक्ट हम लोग आएगा अभी, लिमिटेशन एक्ट हम लोग को पढ़ना है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर टाइम पीरियड दिए हुए हैं कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको किसी पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है। ठीक है, अगर आप इंजर्ड पार्टी हो, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, कुछ नुकसान हुआ आपको, तो अगर आपको सूट फाइल करना है तो इसके लिए एक टाइम पीरियड दिया है, वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर है, तो इस टाइम के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो मगर क्या करा आपने, वो टाइम पीरियड निकल गया और आप पहुंच गए, सूट फाइल कर दिए, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या दिया, ऑर्डर ऑन एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ द सूट इन कोर्ट। तो कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि भाई जिसलिए आपको सूट फाइल करना था टाइम पीरियड के अंदर, वो टाइम पीरियड निकल चुका है, अब आपका सूट एंटरटेन नहीं करेंगे। तो कोर्ट क्या कर रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है, कोई राइट लाइबिलिटी क्या हुई, राइट्स कोई मिले नहीं मिले, जस्ट द ऑर्डर। ऑर्डर फॉर कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स इन द डिस्प्यूट, अच्छा भाई गुड्स इन डिस्प्यूट है। अच्छा चलो भाई, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या हुआ, आप मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, अब आप देख लो, आपको मिस्टर एक्स मानना, अपने आप को वाई मानना, देख लो, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, दोस्त लिख देता हूं मैं, दोस्त हैं भाई, दो दोस्त। मिस्टर एक्स जा रहा है कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री, मिस्टर एक्स गया भाई, कहाँ गया है, फॉरेन गया है, फॉरेन घूमने गया भाई, फॉरेन गया, यूएस मान लो, यूएसए। ठीक है, अब मिस्टर एक्स के पास एक डॉग था, ठीक है, मिस्टर एक्स के पास क्या था, डॉग। अब डॉग को तो साथ ले जा नहीं सकता, हाँ जी डॉग को तो साथ नहीं ले जा रहा, क्या कर रहा है ये, क्या करता है ये, मिस्टर एक्स बोलता है मिस्टर वाई को कि भाई मेरे डॉग मैं आपको दे रहा हूं, इसकी हिफाजत से इसको रखना। तो डॉग कहाँ चला गया, डॉग ले लो या कोई पेट ले लो यार, कुछ भी मान लो आप, कोई पेट है वो दे दिया मिस्टर वाई को, होता है ऐसे नॉर्मली होता है, दे दिया। अब मिस्टर एक्स आता है वापस एक साल बाद, एक साल बाद वापस आता है, एक साल ले लो, दो साल, तीन साल, जो भी लेना ले लो आप। वो जब वापस आता है मिस्टर वाई से बोलता है, और भाई कैसे हो, और मेरा डॉग कैसा है, या मेरा जो भी पेट हो कैसा है। मिस्टर वाई बोलता है तो बढ़िया, मगर ये ना बोलो कि मेरा है, ये ना बोलो कि मेरा डॉग कैसा है, मेरा ना बोलो, वो अब डॉग आपका नहीं है, वो मेरा है। ठीक है, उसको पाला मैंने है, खिलाया पिलाया मैंने। तो मिस्टर वाई बोलता है, एक्स बोलता है पैसे ले ले उसके, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर वाई बोलता है कुछ नहीं, वो डॉग अब है मेरा, वो है मेरा। तो मिस्टर एक्स बोलता है ये तो गलत चीज है, मिस्टर एक्स बोलता है ये तो गलत चीज है, मैंने तो आपको खाली ये दे के गया था कि जब तक मैं बाहर जा रहा हूं तब तक अपने पास रख लो। मिस्टर वाई बोलता है नहीं मैं नहीं देता। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रख लिया, अब डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट क्या है, सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट हो किसकी वजह से रहा है, डॉग की वजह से। डिस्प्यूट किसकी वजह से हो रहा है, डॉग की वजह से हो रहा है डिस्प्यूट। कोर्ट में गया केस, मिस्टर एक्स गया कोर्ट में, सूट फाइल करा, कोर्ट के पास मैटर चल रहा है, कोर्ट के पास मैटर चल रहा है। ठीक है, मगर मिस्टर एक्स बोलता है मिस्टर वाई को, क्या बोलता है ये, मिस्टर एक्स बोलता है जज को कि सर जब तक आपकी फाइनल डिक्री नहीं आ जाती, जब तक आप अपना फाइनल डिसीजन नहीं सुना देते, तब तक ये जो डॉग है इसको आप अपने पास रखो, इसको आप अपने कन्फिस्केशन, इसका कन्फिस्केशन कर दो आप, इस प्रॉपर्टी का कन्फिस्केट करो आप। प्रॉपर्टी क्या है, डॉग, प्रॉपर्टी डॉग है, इसका आप कन्फिस्केट करो। इसने रिक्वेस्ट करी, जज ने मान ली, ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मिस्टर एक्स ने कुछ नहीं बोला जज को,
हाँ मिस्टर जैक्सन साहब खाली ये बोल दिया कि सर मुझे डर है, ये मेरे कुत्ते को मार ना दे सर, क्या पता उसको जहर ना खिला दे, मुझे ऐसा डर लग रहा। कोर्ट को अगर जज को समझ आएगा ऐसा तो जज क्या बोलेगा, तो चलो ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं काम करता हूं, जो ये आपका डॉग है ना अब ये रहेगा कोर्ट की कस्टडी में। तो क्या हो रहा है, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही, सब कन्फिस्केशन हो रही। तो कोर्ट ने क्या करा, ऑर्डर पास किया क्या कि जब तक फाइनली केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक कन्फिस्केट कर रहे हैं इस चीज को। तो कन्फिस्केशन किसी का भी कोर्ट कर सकता है बायपासिंग दी ऑर्डर, कोई राइट्स नहीं अभी डिसाइड हुई है, खाली कन्फिस्केशन हुआ तो कन्फिस्केट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो ये भी एक ऑर्डर हो सकता है, ये भी एक ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट आपका एग्जाम्पल अभी आपने पहले भी दिया था, एडजर्नमेंट ऑर्डर्स। कोर्ट क्या करता है, इसको आप नंबर सिक्स करके लिख सकते हो, नंबर सिक्स करके लिखना, लिख लो एडजर्नमेंट ऑर्डर्स। होता है एडजर्नमेंट ऑर्डर्स पास करता है कोर्ट, एडजर्नमेंट ऑफ द हियरिंग, एडजर्न कर दी हियरिंग, पार्टीज नहीं आ पाई तो एडजर्न कर दिया, कुछ हो गया तो एडजर्न हो जाती, ये भी एडजर्नमेंट होते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, व्हाट इज दिस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इज दी एडजर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। एज पर सेक्शन 104, एज पर सेक्शन 104 सीपीज इन जनरल नो अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर, ठीक है। एज पर सेक्शन 104 क्या है, इन जनरल नो अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर। यस सर मुझे पता है, ये चीज आपने अभी मुझे बताई थी कि ऑर्डर्स के अगेंस्ट इन जनरल नो अपील्स आर लाइड, आप कभी अपील फाइल नहीं कर सकते हो। अपील लाइज ओनली अगेंस्ट दोज ऑर्डर्स, मगर सर आपने मुझे कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे अभी कि सर कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं जो सेक्शन 104 में दिए हैं, पांच ऑर्डर्स ऐसे सर बताए आपने कि जिसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है। मैंने बोला एकदम सही है, आप एकदम सही बोल रहे हो, देयर आर फाइव ऑर्डर्स एंड देयर आर फाइव ऑर्डर्स जिसके अगेंस्ट अपील कैन बी फाइल्ड। देखो लिखा है अपील लाइज ओनली अगेंस्ट दोज ऑर्डर्स फॉर विच अपील इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द सीपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। रेफर देखो आप लिखा है, रेफर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 फॉर लिस्ट ऑफ फाइव। देखो पांच अपीलेबल ऑर्डर है, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब अपील का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे आएगा। यहाँ पे आपको लिख रहा है तो लिख लो, रेफर द टॉपिक ऑफ अपील, रेफर द टॉपिक ऑफ अपील, यहाँ पे आप लिख लो इसको, जब आप पढ़ोगे तो यहां से रेफर कर लेना, ठीक है। रेफर द टॉपिक ऑफ अपील, अपील में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ सूट पास मल्टीपल ऑर्डर्स, ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर्स पास कर सकता है ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड एनी ऑर्डर व्हिच नॉट द फाइनल ऑर्डर इन अ सूट इज कॉल्ड अ इंटरलॉक्टरी। इंटरलॉक्टरी ऑर्डर क्या हो गया, इंटरिम ऑर्डर्स, वर्ड ऑन इंटरिम ऑर्डर, कोर्ट बीच बीच में बहुत से ऑर्डर देता रहता है, इसको इंटरिम बोलते हैं। इंटरिम को ही इंट्रोडक्टरी ऑर्डर्स बोलते हैं, या इंटरिम ऑर्डर्स मतलब जब तक सूट फाइनल डिसऑर्डर नहीं हो जाता बीच में बहुत से ऑर्डर्स देता रहेगा, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक बीच में बहुत से ऑर्डर्स आते रहते हैं, सबको क्या बोलोगे आप, इंट्रोडक्टरी बोल सकते हो या तो आप इसको इंटरिम बोल सकते हो। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर एंड अ डिक्री इज दैट, क्या डिफरेंस है, व्हेन इन एन एडजुडिकेशन व्हिच इज अ डिक्री अपील लाइज एंड सेकेंड अपील ऑल्सो लाइज। देखो आ गया ना, अपील और डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, डिक्री अगेंस्ट अपील तो लाई होती है मगर फर्स्ट एंड सेकंड दो दो अपील होती हैं ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी, पढ़ेंगे हम लोग। हाउएवर नो अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 104, ठीक है। तो इन जनरल डिक्री अगेंस्ट अपील फाइल होगी होगी, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑर्डर के अगेंस्ट डिक्री अपील फाइल नहीं होती। बट सिर्फ पांच ऑर्डर दिए हैं 104 के अंदर, सेक्शन 104 के अंदर, जिसके अगेंस्ट अपील लाई होगी, बट ओनली वन अपील कैन बी लाई, दैट्स इट, एक ही अपील जाएगी, दो अपील तो जाती भी नहीं है। देखो यहां लिखा हुआ है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको, आप देखो लिखा हुआ है नो अपील लाइज एट ऑल इन केस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नो अपील लाइज एट ऑल इवन इन द केस ऑफ अपीलेबल, अपीलेबल ऑर्डर्स भी जो होंगे ना उसके अगेंस्ट भी नहीं होगी। पहली बात तो अपील होती नहीं है ऑर्डर्स के अगेंस्ट, मगर जो अपीलेबल ऑर्डर्स है भी, कौन से ऑर्डर, जो पांच ऑर्डर्स है भी जिनके बारे में बात कर रहा हूं जिसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है, उसके अगेंस्ट भी, उनके लिए भी आपकी सेकंड अपील तो है ही नहीं। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए, इन शॉर्ट में बोलूं तो सेकंड अपील का तो बात ही नहीं होती ऑर्डर में, ऑर्डर्स के अगेंस्ट सेकंड अपील की तो बात ही नहीं होती, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सिर्फ एक अपील की बात होती है, वो भी सिर्फ ओनली फॉर द फाइव ऑर्डर्स, दैट्स इट।
अ पर्सन इन हूज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड, अ पर्सन इन हूज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड नॉट ओनली इंक्लूड अ प्लेंटिव. अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई अ पर्सन इन हूज फेवर, आपको पता है अ पर्सन जिसके फेवर में डिग्री पास होती, कौन होता है वो? डिग्री होल्डर होता है, और प्लेंटिफ ही होता है ना जिसके अगेंस्ट में फाइल हो रही है, वो डिग्री पास हो रही है. अ पर्सन इन हूज फेवर अ डिग्री हैज बीन पास्ड नॉट ओनली इंक्लूड्स अ प्लेंटिफ बट इन केस लाइक डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटिबल बाय बोथ द पार्टीज ऑल्सो इंक्लूड्स द डिफेंडेंट्स. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सिंपल सा आपको समझ आ जाएगा. सिंपल सा एग्जाम्पल है भाई, एक है सेलर, ठीक है, और एक है भाई बायर. क्या करा? सेलर ने बायर को ट्रांसफर किए है गुड्स, और ट्रांसफर करता है 75% ऑफ गुड्स. 75% ऑफ गुड्स ट्रांसफर, जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसने क्या करा, 75% गुड्स उसको ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है. बायर ने क्या करा, बायर ने 50% पेमेंट इसको दे दी थी. 50% क्या दी थी? पेमेंट. लो भाई 50% पेमेंट दे दी थी. अब सेलर बोलता है बायर बोलता है सेलर को, भाई मुझे गुड्स और दो, हाँ जो बचे हैं. सेलर बोलता है काम करो, मुझे तुम पैसे और दो, 50% मुझे पेमेंट लेनी, जब तक तुम 50% में पेमेंट नहीं दोगे मैं 25% तुम्हारा गुड्स नहीं दूंगा, ठीक है. तो कुछ भी आप ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी आप सोच लो. तो दोनों में से एक पार्टी चले गई कोर्ट में और केस फाइल कर देती दूसरे अगेंस्ट. तो केस वहां पे चलता है, दूसरी पार्टी बोलती है सर मुझे भी इनसे लेना है सामान, या मुझे भी इनसे लेने हैं पैसे. तो जज क्या करेगा फाइनली? जज फाइनली डिक्री पास करता है, सेलर को बोलता है कि आप 25% उसको गुड्स दीजिए, मतलब आप भी कुछ परफॉर्म करोगे, आप भी कुछ परफॉर्म करोगे, और बायर को बोलता है आप दीजिए इनको 50% पेमेंट, तो आप भी कुछ परफॉर्म करोगे. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दोनों के साइड आ रही है, बायर को भी परफॉर्म करनी है और सेलर को भी परफॉर्म करनी है. एक को पैसे देने बचे हैं और एक का गुड्स देना बचा, वही लिखा यहाँ पे. अ पर्सन इन हूज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड नॉट ओनली इंक्लूड्स अ प्लेंटिफ, सिर्फ वो प्लेंटिफ ही नहीं होगा, बट इन केस लाइक डिग्री फॉर स्पेसिफिक, देखो डिग्री कौन सी आ रही है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास हुई ना, यानी कि परफॉर्म करिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटिबल बाय बोथ द पार्टी ऑल्सो इंक्लूड्स अ डिफेंडेंट, ठीक है. तो डिग्री दोनों के लिए हो गई यहाँ पे, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट, दोनों के लिए, ये नहीं हमेशा प्लेंटिफ के लिए आएगी, ठीक है. तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट वाला केस अगर आया तो उस केस में जो डिग्री होती है ना दोनों के लिए होती है फिर. क्लियर है? What is the difference between decree and order? ये आपका मैं बोल दूं कि ये ना जो लिखा है ना, ये decree and order, difference between decree and order, इसके ऊपर लिख लो most important, ठीक है. मैं बोलता हूँ very very very, इतना very लगाना लगा लो यहाँ पे आप, और उसके बाद लिख देना important, पढ़ लो पूरी लाइन very की. ये examination question है आपका, बहुत बार आता है exam में, ठीक है. तो decree क्या है देखो आप, अब आपको पता तो है decree और order क्या है, difference एक बार देख लेते हैं क्या. A decree conclusively determines all or some, ये देखो all or some of the rights and liability of the parties, clear है. Conclusively determines भी लिख लेना, conclusively important word है. An order may or may not finally determine the right of the party, may or may not है यहाँ पे, कभी करता है और may not. Decree may be either preliminary, आपको पता है preliminary भी होती है final भी हो सकती है. An order cannot be preliminary at all, it is always a final, final होता है खाली. ऑर्डर होता है, प्रीलिमिनरी का कोई मतलब इसमें नहीं होता, ठीक है. इंट्रोडक्टरी ऑर्डर एक अलग चीज है, इंटरिम ऑर्डर वो अलग चीज है, जो बीच में ऑर्डर आए जा रहे हैं, ठीक है. मगर इसमें कुछ प्रीलिमिनरी और फाइनल का केस नहीं होता, जो ऑर्डर आ गया तो आ गया, कोई प्री और फाइनल नहीं है इसके अंदर. अ डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल अनलेस प्रोवाइडेड, ये अपीलेबल वाली पॉइंट आ रहा है, आपको पता होगा अपील वाला, इतनी 3-4 बार मैंने बोल दिया अपील वाला पॉइंट. तो अ डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल अंडर Unless prohibited by law, example as per section 96, no appeal can be against a decree passed by the court with the ER consent decree वाला point है, जो मैं आपको अभी exception एक बताया था, decree जब मैं आपको PPT से बता रहा था ना, consent decree वही वाला point है. Consent से अगर decree pass करी तो उसके against आप appeal file नहीं कर सकते. Normally an order is not appealable unless permitted by law, section 104. Second appeal lies to the High Court on certain grounds mentioned in section 100 from decree passed in the first appeal. Second appeal होती है, सेकेंड अपील होती है, और आपको पता है कब जाती है, क्वेश्चन ऑफ सेकेंड अपील ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, पता है आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस, अभी लिखा ऑन सर्टेन ग्राउंड्स लिखा ना, सर्टेन ग्राउंड सब लिखा ना, और नो सेकेंड अपील लाई लो भाई, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो सेकेंड अपील का कोई ऑप्शन ही नहीं आता. फर्स्ट अपील होती है, डिग्री ऑर्डर दोनों में आ जाती है, मगर सेकेंड अपील का तो ऑप्शन ऑर्डर के अंदर है ही नहीं.
और फिफ्थ देयर इज जनरली 1 डिग्री इन द सूट. लो भाई एक ही डिग्री आएगी, ऑब्वियस बात है, देयर इज जनरली 1 डिग्री इन अ सूट, देयर में बी मल्टीपल ऑर्डर्स. जनरली लिखा, जनरली हमेशा नहीं, जनरली एक्सेप्शन सबके होते हैं. देयर इज जनरली 1 डिग्री इन अ सूट, ठीक है. 1 डिग्री मतलब फाइनली कोर्ट बताएगा राइट्स एंड लाइबिलिटीज आपकी क्या हो रही है लास्ट में, कि भाई आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ठीक है. ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स तो भाई मल्टीपल होते हैं, ऑर्डर्स तो भाई मल्टीपल होते हैं. अब केस चल रहा है, अब बीच में बोल दिया भाई कन्फिस्केशन कर दो प्रॉपर्टी का, बीच में आ रहा है इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया, सूट वो आप स्टे लगा दिया बीच में, होता है अलग अलग, बीच में तारीख अलग दे दी, अडजमेंट कर दिया, अलग अलग ऑर्डर्स आ रहे हैं. तो एक सूट केस चलते चलते मल्टीपल ऑर्डर्स पास होते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स उस केस से रिलेटेड बहुत से ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी बोल रहा है जज, वो ऑर्डर एक तरह से उसका, कुछ भी बोल रहा है वो, एडजमेंट कर दिया वो भी ऑर्डर आ गया, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है उस प्रॉपर्टी को बोलता है भाई कोर्ट की कस्टडी में रहेगा, वो भी आपका ऑर्डर हो गया एक तरह से, ठीक है. अब सूट फाइल, अब अगर स्टे लगाना है कोई चीज तो आपको पता अभी पड़ा आपने स्टे लगाया, वो भी एक तरह से क्या हो गया, स्टे लगाया वो भी आपका हो गया भाई, कि ये भी आपका एक तरह से ऑर्डर हो गया. तो ये ऑर्डर्स तो मल्टीपल हो सकते हैं, मगर डिग्री तो भाई आपको पता है जनरल तो एक ही होगी ना, फाइनली लास्ट में डिसाइड करेगा जज जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताएगा. डिग्री तो फाइनली एक ही हो गई, एक ही बार तो राइट बताओ गया, वो तो प्रिलिमिनरी और फाइनल एक अलग चीज हो गई, तो उसमें भी तो हक ही बता रहे हो आप, डिग्री एक ही होगी, ठीक है. जनरली एक ही डिग्री होगी, वो तो प्रिलिमिनरी हो गई फाइनल हो गई बात अलग है, और जनरली एक ही बार बताएगा जज, एक ही बार राइट से लाइबिलिटी डिसाइड होगी पूरे केस में, सब कुछ केसेस को पूरा एविडेंसेस को देखकर फैक्ट्स को देखकर. मगर जो ऑर्डर्स है, मगर जो ऑर्डर्स है वो भाई मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स तो पास कर, क्योंकि जज कुछ भी बोल रहा है, जज बोलता जा रहा है कुछ भी, वो सब क्या हो रहे हैं आपके ऑर्डर्स हो जा रहे हैं, ठीक है. जितने भी डायरेक्शन दिए जा रहा है वो सब होते जा रहे हैं, बस ऑर्डर्स डज नॉट डिसाइड द राइट एंड लाइबिलिटी, इसको हमेशा याद रखना, ऑर्डर्स डू नॉट डिसाइड द राइट्स एंड लाइबिलिटी, बट डिक्री डिसाइड्स दी राइट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है. डिक्री डिसाइड करता है राइट एंड लाइबिलिटी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आप दिए जा रहे हो, सब क्या है भाई, ये सब ऑर्डर्स हैं, ये डिक्री नहीं है, दीज आर ऑल ऑर्डर्स, ठीक है. तो यहां हम लोग का पोर्शन अभी मैं देख रहा हूं, तो यहां पे हम लोग का डिक्री क्या चीज है, ऑर्डर क्या चीज है, जजमेंट क्या चीज है, ये हम लोगों ने बेसिक्स पूरे इसके पढ़ डाले, पूरे बेसिक जितने थे ये हम लोग पढ़ डाले. अब मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन नहीं होगी जब मैं आपके सामने टर्म यूज करूंगा, डिक्री पास हुई है, ऑर्डर दिया है, जजमेंट आई है, मेरे हिसाब से अब आपको कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ये सब टर्म्स में आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मुझे जो लगता है, ठीक है. अब हम लोग शुरू करेंगे अपना ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, अब हम लोग को शुरू करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, की कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती क्या. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट.